नमस्कार। संहिता बोध की इस अगली कड़ी में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। गत सत्र में हमने उदर निदान के बारे में, गत 2 सत्रों में हमने उदर निदान के बारे में चर्चा की थी, तो उसके आगे हमें क्या करना है? तो उदर चिकित्सा के बारे में हमें चर्चा करनी है। उसके बारे में जो कुछ वाग्भट में यानी अष्टांग हृदय में लिखा है, उसके अनुरोध से, उसके आधार पर हमें कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है। अथवा तो उदर चिकित्सितम व्याख्यास्यामः इतिहास माहुः आत्रेयादयो महर्षयः। जैसे हमने जितने सत्र अभी तक लिए हैं, हमने क्या किया है कि पहले उस अध्याय का जो क्रम है उसके बारे में कुछ ना कुछ चर्चा की है। तो इस अध्याय का जो क्रम है उसके बारे में बहुत विस्तार से चर्चा जब निदान का अपने अध्ययन के लिए उस वक्त हुई थी, लेकिन संक्षेप में अन्य ग्रंथों से भी जो इसका क्रम है इसके बारे में संक्षेप से अब भी हम इस सत्र में भी हम चर्चा करेंगे। तो जैसे हमने देख लिया है कि वाग्भट में, अष्टांग हृदय में और अष्टांग संग्रह में भी ये कहाँ आया है? पहले गुल्म आया है, गुल्म के बाद उदर आया है और उसके बाद पांडु अध्याय आया है। और गुल्म के बाद जब उदर आया है तो उसके बहुत सारे कारण ये आपने गत सत्र में देखे थे। तो उसमें से महत्वपूर्ण कारण ये है कि गुल्म का प्रधान उपद्रव उदर होने के कारण गुल्म के बाद उदर का वर्णन किया है। तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये एक प्रधान उपद्रव है और वो गुल्म का है। और उसके बाद पांडु का वर्णन किया है, वो भी उदर का एक उपद्रव है। और त्रिदोषज व्याधि होने के कारण दो त्रिदोषज व्याधियों का वर्णन एक के बाद अगला ऐसे करके, ऐसा निश्चित करके यहाँ उसके बाद पांडु का वर्णन किया है। सो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय दोनों संहिताओं में इसी क्रम से अध्यायों का वर्णन किया गया है। चरक संहिता में ये जो उदर चिकित्सा है वो चरक चिकित्सा 13वें अध्याय में वर्णन किया है और उसके पहले शोथ का वर्णन किया है, उसके बाद अर्श का वर्णन किया है। तो शोथ के बाद उदर का वर्णन कैसे क्यों किया है? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि शोथ की संप्राप्ति और उदर की संप्राप्ति इसमें बहुत सारी साम्यता है। संप्राप्ति में घटने वाली घटनाएं जो है वो दोनों व्याधियों में एक जैसी है। सो जो शोथ है वो अगर उदरस्थ शोथ ले लिया, स्थानिक शोथ ले लिया तो वही उदर बन जाता है। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन उदर एंड शोथ। अगर एकांग शोथ मतलब उदरस्थ एकांग शोथ ऐसा अगर हमने सोच लिया तो वो उदर बन जाता है और कुछ नहीं। इसलिए शोथ के बाद उसी का भेद होने के कारण उदर का वर्णन किया गया है। और उसके बाद जैसे वाग्भट में वर्णन किया है कि त्रिदोषजन्य अगला व्याधि, सो त्रिदोषजन्य अगला व्याधि जो है अर्श, उसका वर्णन किया है। और उसमें और एक समानता है उदर और अर्श में। उदर में भी एक प्रकार बद्धोदर है जिसमें गुदबद्ध हो जाता है और आगे की संप्राप्ति हो जाती है। उसी तरह अर्श में भी गुदबद्ध हो जाता है और उदावर्त जैसी संप्राप्ति आगे निर्माण होती है, उदावर्त जैसा उपद्रव अर्श से उत्पन्न होता है। बद्ध गुदत्व, गुद का बद्धत्व, ये दोनों संप्राप्तियों में सामान्य है, समानता है। इसलिए उदर के बाद अर्श का वर्णन किया गया है चरक संहिता में। सुश्रुत संहिता में उदर के पहले मधुमेह का वर्णन किया है और उसके बाद मूढ़ गर्भ का वर्णन किया है। तो मधुमेह और उदर उसमें समानता क्या है? तो उनमें समानता यह है कि दोनों व्याधियों में उदक वह स्रोत की दुष्टि होती है। आपको मालूम है कि मधुमेह जो है वो अप्यांश अत्यधिक होने के कारण जो शैथिल्य उत्पन्न होता है उससे आगे संप्राप्ति चली जाती है। सो अप्यांश अत्यधिक होना मतलब उदक वह स्रोत की दुष्टि होना यह मधुमेह में घटने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना है। उदर में भी उसी तरह से उदक व स्रोत में दुष्टि होती है, यह स्रोतरोजन्य दृष्टि ज्यादा होती है। लेकिन उदक व स्रोत दृष्टि यह समानता के कारण मधुमेह के बाद उदर का वर्णन किया गया है। सो ये अध्याय क्रम जैसे हमने बार बार देख लिया है कि हमें संप्राप्ति समझ लेने के लिए, चिकित्सा के मूल सिद्धांत समझ लेने के लिए बहुत आवश्यक होता है। जब यह हम समझ लेते हैं तो एक अधिकरण में वर्णित द्रव्य जो है, एक अधिकरण में वर्णित जो सिद्धांत है उसका दूसरे अधिकरण में अगर उपयोग करना है तो हम ठीक तरह से कर सकते हैं। इसलिए ये लिंक जो है ये समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। नाउ वी विल गो टू उदर चिकित्सा। ओके,
सबसे पहला सूत्र आता है दोषाति मात्रोपचयात स्रोतो मार्ग निरोधनात् संभवति उदरम तस्मात् नित्यम एनम विरेचयेत। सो इसे सबसे पहले क्या करने के लिए बताया गया है, नित्यम एनम विरेचयेत, एनम उदरिनम, उदर व्यक्ति को, उदरी व्यक्ति को नित्य विरेचन करना चाहिए। मतलब सामान्य चिकित्सा सूत्र में एक ही उपक्रम बताया गया है और वो उपक्रम है नित्य विरेचन करना। नित्य विरेचन करना, इस नित्य का अर्थ हम बहुत बार ऐसे लेते हैं कि हर रोज उसका विरेचन करना चाहिए, ओके? लेकिन नित्य का एकमात्र अर्थ हर रोज उसका विरेचन करना चाहिए ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कोशों में देखा तो नित्य के भिन्न भिन्न अर्थ आपको दिखाई देते हैं, अभीक्षण, निरंतर क्रिया, सतत, अविरत, अहरह, विनिबोधित, सदा, यावद आयु, ऑलवेज, कॉन्स्टेंटली, रेगुलरली। सो इफ वी सी ऑल दीज मीनिंग्स, हम इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि इसका मतलब है कि विरेचन उपक्रम जो है ये वो नित्य करना, मतलब बार बार करना, मतलब एक बार ही। जैसे कि अन्य व्याधियों में हम देखते हैं कि एक बार शोधन कर लेते हैं, उसके बाद शेष दोष शमन के लिए या अल्पाल्प शोधन के लिए आगे की चिकित्सा का वर्णन किया है ऐसा दिखाई देता है। लेकिन यहां ऐसा करके व्याधि की संप्राप्ति भंग नहीं होगी, इसीलिए बार बार शोधन करने का विधान है। सो बार बार शोधन करना, इतना ही हमें इस नित्य शब्द से अपेक्षित है। मतलब अगर दोष अत्यधिक है, रुग्ण बलवान है और वो नित्य विरेचन सह सकता है, ऐसी स्थिति है, मतलब उसको जरूरत है और सह सकता है, ऐसी स्थिति है तो आप हर दिन भी विरेचन दे सकते हैं। लेकिन व्याधि बल और रुग्ण बल, इन दो मुद्दों को आधार मान करके, इन दो मुद्दों का विचार करके हम एक दिन के बाद, दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में दो बार ऐसे भी विरेचन उपक्रम का विचार कर सकते हैं और उसको भी हम नित्य ही कहेंगे, क्योंकि नित्य का अर्थ सतत अविरत है, नॉट ऑलवेज अहरह, मतलब नॉट ऑलवेज एवरी डे, ओके? इट शुड बी केप्ट इन आवर माइंड कि ये सभी को नित्य शब्द से ही बोला जा सकता है। सो संभवति उदरम तस्मात, अब ये विरेचन करने के बाद उन्होंने उसका कार्यकारण, विरेचन करने का विधान करने के बाद उन्होंने उसका कार्यकारण भाव स्पष्ट किया है, क्यों ऐसा करना चाहिए। दोषाति मात्रोपचयात स्रोतो मार्ग निरोधनात् संभवति उदरम, उदरम संभवति, उदर का निर्माण हो जाता है। कैसे हो जाता है? दोषाति मात्रोपचयात, दोष अतिमात्र उपचयात, ओके? दोषों का उपचय जो है वो अतिमात्र में हो जाता है, पॉइंट नंबर वन। और स्रोतो मार्ग निरोधनात्, स्रोतों का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, मतलब संप्राप्ति में घटने वाली ये सबसे दो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनके कारण उदर की निर्मिति होती है, ओके? और इन दो घटनाओं का भंग करने के कारण, भंग करने के लिए हम जिस उपक्रम की सहायता लेंगे वो उदर है, वो विरेचन है, ओके? सो विरेचन क्यों करना चाहिए? पॉइंट नंबर वन, दोषाति मात्रोपचय, दोषों का संचय अत्यधिक मात्रा में है, मतलब द्रव्यतः दोषों की वृद्धि हुई है, हमें शोधन करने की आवश्यकता उस वक्त होती है जब दोष द्रव्यतः अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। शोधन में हम क्या करते हैं, जो बढ़े हुए दोष है वो द्रव्यतः हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ओके? सो शोधन उसी वक्त हम प्रिफर करेंगे जब दोष द्रव्यतः बढ़े हुए हैं। अगर गुणतः बड़े हुए हैं, द्रव्यतः बढ़ना भी एक गुण ही है, लेकिन अन्य गुणों के बारे में, अन्य गुणों की मैं चर्चा कर रहा हूं, अगर गुणतः उसकी वृद्धि हुई है तो शोधन के बजाय शमन का भी हम विचार अच्छी तरह से कर सकते हैं। सो व्हाट आई वांट टू हाईलाइट हियर इज, यहाँ द्रव्यतः वृद्धि की चर्चा की गई है, इसीलिए विरेचन इसका सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम है, दैट इज पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू, स्रोतो मार्ग निरोधनात्, और दोष अत्यधिक मात्रा में उपचित हुए और सिर्फ वो बड़े हैं और सारे शरीर में घूम रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है, तो जो स्रोतस है, विशेषतः उदक व स्रोतस है, उसमें उन्होंने मार्ग अवरुद्ध किया है। सो मार्ग को शुद्ध करना है, स्रोतस शोधन करना है, और अत्यधिक मात्रा में बढ़े हुए, वृद्ध हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालना है। ये संप्राप्ति भंग के लिए अत्यंत आवश्यक होने वाली दो घटनाएं हैं, दो उपक्रम है, दो ऑब्जेक्टिव है।
ओके सो ये दो जो ऑब्जेक्टिव जो है वो हम किस उपक्रम की सहायता से अचीव कर सकते हैं, तो वो उपक्रम है विरेचन। ओके सो पहले ही सूत्र में जो सामान्य चिकित्सा सूत्र है उसमें उन्होंने कौन सा उपक्रम करना चाहिए इसका विधान किया है, क्यों करना चाहिए इसका भी विधान किया है। सो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कार्यकारण भाव के आधार पर कौन सा उपक्रम करना चाहिए इसका विधान किया है। जब हम ये समझ लेते हैं तो इसी प्रकार की जब संप्राप्ति हमें अन्य व्याधियों में मिलती है, ऐसी ही अवस्था अगर हमें अन्य व्याधियों में मिलती है तो इसी उपक्रम का विचार हम कर सकते हैं। इसीलिए सिर्फ उपक्रम को ध्यान में रखना ये एक बात है, लेकिन वो उपक्रम उस संप्राप्ति का भंग कैसे करता है ये हमने अगर समझ लिया तो हम उसी उपक्रम को अन्य व्याधियों में भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका कार्यकारण भाव हमारे समझ में आए। सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि विरेचन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, दोषों की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होने के कारण और स्रोतोरोध होने के कारण विरेचन का विधान इस अध्याय में किया गया है। सो एवरीथिंग व्हाट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस अध्याय इज मींस सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल थीम ऑफ एंटायर चिकित्सा इज विरेचन। ओके उसमें जो जो कुछ अवस्थाएं बदल जाती है उसके आधार पर उनमें क्या किया गया है, उस चिकित्सा में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, बदलाव किए गए हैं, लेकिन सेंट्रल थीम पूरी चिकित्सा की जो है वो विरेचन है। नेक्स्ट, जब आप विरेचन की बात की है तो सबसे पहले ठीक है विरेचन एक उपक्रम बता दिया, लेकिन वो जब करना है तो किन द्रव्यों की सहायता से करना चाहिए, इसलिए आगे का जो सूत्र है, आगे के एक दो सूत्र जो है वो हमें बताते हैं कि वो कौन कौन से द्रव्यों की सहायता से करना चाहिए। सो ये जो सूत्र है ये आपको ये बताता है, पाये तैलम एरंडम समूत्रम सपयोपिवा मासम द्वव्वा अथवा गव्यम मूत्रम माहिषमेववा पिबेत गोक्षुरभुक् स्याद्वा करभि क्षीरवर्तनः दाह आनाह अतितृन मूर्छा परितस्तु विशेषतः। इसमें क्या क्या करने के लिए बताया गया है, सबसे पाए तैल एरंडम, एरंड तैल का पान करना चाहिए सबसे पहले, मतलब विरेचन के लिए इतने सारे योग हैं फिर भी एरंड तैल सबसे पहले बताया गया है। क्यों बताया गया है, जैसे हमने देख लिया है कि गत व्याख्यान में यह सान्निपातिक व्याधि है फिर भी वात दोष का प्राधान्य रहता है, इसीलिए हमें अब जब विरेचन करना है तो ऐसे विरेचन द्रव्य को हमें सिलेक्ट करना है, ऐसे द्रव्य को हमें प्रयोग में लाना है जो विरेचन करेगा लेकिन संप्राप्ति में सबसे बलवान जो दोष है उसकी वृद्धि नहीं करेगा, क्योंकि जिस उपक्रम की हम चर्चा कर रहे हैं वो उपक्रम अपतर्पण करने वाला है, वात की वृद्धि करने वाला है। ओके सो अगर वात की वृद्धि करने वाला उपक्रम हमें करना अनिवार्य है तो हम ऐसे द्रव्य का चयन करेंगे जो वात की वृद्धि नहीं करेगा, सो दैट चिकित्साकृत दोष वृद्धि और चिकित्साकृत प्रमाद हम नहीं करेंगे और संप्राप्ति को बढ़ावा देने की चेष्टा हम नहीं करेंगे। ओके इसीलिए वात प्राधान्य होने के कारण स्निग्ध विरेचन ये अनिवार्य है और स्निग्ध विरेचन होने के कारण सबसे पहले क्या वर्णन किया है, एरंड स्नेह का वर्णन, पाये तैलम एरंडम कैसे रहना चाहिए, समूत्रम सपयोपिवा, मतलब दो योग हो गए, समूत्रम एरंड स्नेह और सपयम एरंड स्नेह। ओके सो गोमूत्र के साथ एरंड स्नेह देना चाहिए और दुग्ध के साथ एरंड स्नेह देना चाहिए। सो डेफिनेटली कब हम गोमूत्र के साथ देंगे और कब हम दुग्ध के साथ देंगे, डेफिनेटली जब कफ प्रधान संप्राप्ति है, मतलब कफवात प्रधान संप्राप्ति है या कफावृत वात ऐसी अवस्था है तो हम मूत्र गोमूत्र के साथ एरंड स्नेह का प्रयोग करेंगे, और जब पित्तवात प्रधान संप्राप्ति है, रुग्ण कृश है या पित्तावृत वात ऐसी अवस्था है, अगर ऐसी अवस्था है तो गोमूत्र युक्त एरंड स्नेह के बजाय दुग्ध युक्त एरंड स्नेह का प्रयोग किया तो वो इस अवस्था के लिए ज्यादा उचित योग होगा। ओके सो ये दो जो योग है वो कफवात प्रधान या कफावृतवात और पित्तवात प्रधान या पित्तावृतवात की अवस्था में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं।
उसके बाद क्या वर्णन किया है, पाए तैलम एरणम समुत्रम स पयोपिवा मासम द्वौ। ओके, वो कितने समय तक देना चाहिए, मासम एक मास के लिए या द्वौ दो मास के लिए। ओके, मतलब ये विरेचन योग का प्रयोग हमें नित्य एक मास या दो मास तक करना चाहिए रुग्ण बल और दोष बल की अपेक्षा के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्या है, अथवा गव्यम मूत्रम माहिष्यमेव वा। विरेचन के लिए जैसे एरंडस्नेह मूत्र के साथ, एरंडस्नेह दुग्ध के साथ, उसके आगे गोमूत्र या माहिष्य मूत्र का भी वर्णन किया है। ओके, सो गोमूत्र का प्रयोग हम कब करेंगे, जब कफ प्रधान संप्राप्ति होगी, स्रोतोरोध अत्यधिक मात्रा में होगा, इससे जो अल्प मात्रा में वात की वृद्धि होगी वो संप्राप्ति वृद्धि के लिए ज्यादा सहायक नहीं होगी। ऐसी अगर स्थिति होगी तो हम गोमूत्र युक्त एरंडस्नेह के बजाय सिर्फ गोमूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये पहला जो योग है गोमूत्र युक्त एरंडस्नेह, वो कफ और वात प्रधान संप्राप्ति होगी तो उसका प्रयोग हम ज्यादा करेंगे, और कफ प्रधान संप्राप्ति ही जब होगी तो हम गोमूत्र का प्रयोग करेंगे। स्रोतोरोध की अत्यधिक मात्रा होगी तो भी हम गोमूत्र का प्रयोग करेंगे। माहिष्य मूत्र के गुण मुझे ज्यादा नहीं मिले इसलिए वो, मतलब गोमूत्र और माहिष्य मूत्र में क्या भेद करना है वो थोड़ा अभ्यास का विषय है, आप में से भी कोई अभ्यास करके मुझे बता सकता है। ओके, सो यहाँ चार योग मिल गए, समूत्र एरंड स्नेह, सदुग्ध एरंड स्नेह, गोमूत्र और माहिष्य मूत्र। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज देयर, नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि एरंड तेल क्यों, जैसे मैंने बताया कि स्निग्ध विरेचन की अपेक्षा होने के कारण एरंड तेल का प्रयोग किया गया है, लेकिन स्निग्ध विरेचन अगर इतनी ही अपेक्षा है तो स्निग्ध गुण वाले और भी बहुत सारे द्रव्य विरेचन अध्याय में या विरेचन गण जो बताया गया है उसमें वर्णित है, फिर भी एरंड तेल का विधान सबसे पहले क्यों किया गया है, इसका वर्णन अगर, इसका उत्तर अगर हमें चाहिए तो एरंड तेल क्या, एरंड तेल की जो फलश्रुति है उसके जो गुण है उसकी ओर हमें जाना पड़ेगा। वहां क्या वर्णन किया है, सतिक्तोषणम एरंडम तैलम स्वादु सरम गुरु वर्धम गुल्म अनिल कफान उदरम विषम ज्वरम रूप शोफौच कटि गुह्य कोष्ठ पृष्ठाश्रयो जय तीक्ष्ण उष्णम इच्छ्रम विश्रम रक्तम एरंडोद्भवम तु अति। एरंड तेल कैसा है, सतिक्त उष्ण है, इस संप्राप्ति में क्या होता है, स्रोतोरोध प्रधान संप्राप्ति है, सो हमें तिक्त और उष्ण द्रव्यों की आवश्यकता है, तीक्ष्ण और उष्ण गुण की आवश्यकता है। सो तिक्त रस, उष्ण रस, तीक्ष्ण गुण और उष्ण गुण, ये जो इसमें गुण है वो गुण स्रोत शोधन के लिए, स्रोतोरोध का भेदन करने के लिए अत्यंत आवश्यक है जो एरंड तेल में उपस्थित है। ओके, जैसे दूसरे हमने देख लिया कि ये इस संप्राप्ति में वात प्रधान है, सो वात की वृद्धि भी ना हो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। सो इसमें ये तैल होने के कारण स्निग्ध है, दूसरी बात वो स्वादु है तो वो भी वात की वृद्धि ना हो इसके लिए ये दो गुण प्रयास करेंगे, पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर थ्री, अनिल कफान दोष कौन सी अवस्था में इनका प्रयोग करना चाहिए स्पष्ट किया है, और फलश्रुति में उदर मतलब ये व्याधि प्रत्यनीक द्रव्य है। ओके, ये व्याधि प्रत्यनीक द्रव्य होने के कारण, इन गुणों के कारण ये काम करता है, इट्स ओके, इन एडिशन टू दैट ये व्याधि प्रत्यनीक होने के कारण हम इसका प्रयोग उदर में ज्यादा करेंगे। ओके, वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज देयर, रुक शोपौच कटी गुह्य कोष्ठ पृष्ठाश्रयो जयत, मतलब इसका गामित्व जो है वो कहा है, रुक शोपौ, रुक और शोप अगर कटिस्थ गुह्यस्थ कोष्ठस्थ और पृष्ठस्थ है, मतलब इन स्थानों में अगर वेदना है और शोप है तो एरंड तेल का सबसे अच्छी तरह से प्रयोग हो सकता है, मतलब इसका गामित्व इन प्रदेशों की ओर है। ओके, सो यह कोष्ठाश्रित दोष ज्यादा है। ओके, कोष्ठाश्रित शोफ को ही हमने उधर बोल दिया है, जैसे हमने देख लिया है कि चरक संहिता में शोफ के बाद उधर का वर्णन किया है, तो हमने क्या बताया था, ये शोफ भेद है, तो कोष्ठस्थ शोफ इज नथिंग बट उधर। सो अगर इसी अवस्था में एरंड तेल का प्रयोग करने का विधान है, सो दैट विल बी द फर्स्ट चॉइस। ओके, इसलिए एरंड तेल का विधान सबसे पहले
सबसे पहले किया है और ये सबसे अग्र द्रव्य है, सबसे श्रेष्ठ द्रव्य विरेचन के लिए उदर में है। तो आगे वो विरेचन करने वाला है, तो कौन कौन से गुणों में और कौन कौन सी दोषों की अवस्था में प्रयोग करना है, इसका वर्णन भी इस स्लाइड में किया गया। नाउ आगे सूत्र क्या कहता है, सूत्र आगे ये कहता है कि मासम द्वौवा अथवा गव्यम मूत्रम माहिषमेव वा पिबेद गोक्षुर भुक् स्याद्वा करभी क्षीरवर्तनः दाह आनाह अतितृण मूर्छा परितस्तु विशेषतः। पिबेद गोक्षु पिबेद मूत्रम पिबेद गोक्षुर भुक् स्याद्वा करभी क्षीरवर्तनः, मतलब जब ये उपक्रम कर हम कर रहे हैं, मतलब कौन सा उपक्रम कर रहे हैं, विरेचन उपक्रम कर रहे हैं, जो द्रव्य दिए हैं उनकी सहायता से कर रहे हैं, उस वक्त क्या करना चाहिए, गोक्षीर भुक या गर्भिक क्षीर वर्तन करना चाहिए, मतलब उस वक्त आहार क्या होना चाहिए, आइदर गोदुग्ध होना चाहिए या गर्भिक क्षीर वर्तन होना चाहिए, सामान्य हो। ओके, मतलब कौन सी भी अवस्था में रुग्ण हो, इनमें से कौन सा भी योग, जो चार योग दिए है इनमें से कौन सा भी योग आप सिलेक्ट कर दीजिए, आपको आहार के तौर पर आहार के लिए उस अवस्था में उस वक्त क्या देना चाहिए, दुग्ध देना चाहिए, गोदुग्ध या करभिक्षीर उष्ट दुग्ध। ओके, इसमें से एक, लेकिन इसमें भी कुछ विशेषता है, तो उस विशेषता का वर्णन किया है, दाह आनाह अतितृण मूर्छा परिसस्तु परितस्तु विशेषतः। उदर में भी अगर दाह प्रधान लक्षण है, आनाह अत्यधिक है, अतितृष्णा से रुग्ण पीड़ित है, मूर्छा से रुग्ण पीड़ित है, ऐसी अगर स्थिति है तो उसमें दुग्धपान विशेषतः हम कर सकते हैं, विशेषतः कर सकते हैं ऐसा जब लिखा है तो इसका स्पष्ट शब्द स्पष्ट रूप से अर्थ ये है कि विशेषतः से इस अवस्था में प्रयोग कर सकते हैं, दैट डज नॉट मीन इट शुड नॉट बी यूज्ड इन अदर अवस्था, सो इन जनरल इट शुड बी यूज्ड, बट अगर इस अवस्था में उसका प्रयोग किया तो उसका लाभ अत्यधिक मात्रा में हुआ। सो इन लक्षणों की और अगर हमने ध्यान दिया तो ये लक्षण जो है ये वात पित्त प्रधान है या पित्त वात प्रधान है, ओके, रक्ताश्रित है, रसाश्रित है, ओके, सो रस रक्ताश्रित संप्राप्ति है और पित्त वात प्रधान संप्राप्ति है, ऐसी अगर स्थिति है तो उस स्थिति में दुग्धपान किया तो वो विशेषतः लाभदायक है, अत्यधिक लाभप्रद हो सकता है। So now question arises, when to use gokshura and gokshira and when to use karabhikshira, okay? So कहाँ कहाँ? So देखिए उनके जब जैसे मैंने यहाँ आपको एरंडतेल के गुणों के बारे में चर्चा की थी, उसी तरह अगर हम गोक्षीर और करभिक्षीर की गुणों की ओर ध्यान दिया तो हम इस मुद्दे पर पहुंच जाते हैं कि गोक्षीर का प्रयोग हम कब कर सकते हैं, जब वात पित्त प्रधान संप्राप्ति है और रक्ताश्रित संप्राप्ति है, ऐसी अगर स्थिति है, अपतर्पित रुग्ण और सद्य संतर्पण एंड शोधन की आवश्यकता, ये दुग्ध की अवस्था होगी, कि शोधन तो करना है, दुग्ध करेगा, दुग्धम च मूत्रम च विरेचनानि, तो दुग्ध विरेचन करेगा, लेकिन उसी वक्त वो सद्य संतर्पण करे, संतर्पण भी करेगा, मतलब संतर्पण की भी आवश्यकता है और शोधन की भी आवश्यकता है, उस अवस्था में हमें दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए, तो यह दोनों में कॉमन हो गया। ओके, लेकिन अगर वातपित्त प्रधान संप्राप्ति है और रक्ताश्रित संप्राप्ति ज्यादा है तो हम गोदुग्ध का प्रयोग करेंगे, और करभिक्षीर के गुण क्या है, ईषत रूक्ष है, ईषत लवण है, वो दीपन करने वाला है, और उसमें ही कहते हैं कि वो वात कफग्न है, मतलब वातपित्त प्रधान संप्राप्ति है तो गोदुग्ध का प्रयोग करेंगे, वात कफ प्रधान संप्राप्ति है तो करभिक्षीर का प्रयोग करेंगे। So, अपतर्पित रुग्ण सद्य संतर्पण शोधन अपेक्षा ये तो समान हो गया, और उसमें उदर और शोफ उस फलश्रुति में वर्णित है, मतलब करभिक्षीर ये उदर और शोफ के लिए व्याधि प्रत्यनीक द्रव्य है। ओके, व्याधि प्रत्यनीक द्रव्य है, सो गोदुग्ध में गोदुग्ध ये उदर के लिए व्याधि प्रत्यनीक नहीं है, कम से कम मैंने जो वाग्भट के गुण देखे उसमें तो उसका वर्णन नहीं है, लेकिन करभिक्षीर में उदर और शोफ व्याधि का वर्णन है, मतलब ये व्याधि प्रत्यनीक द्रव्य हो गए। ओके, सो वात कफ प्रधान संप्राप्ति करभिक्षीर और वातपित्त प्रधान संप्राप्ति और विशेषतः रक्ताश्रित संप्राप्ति ऐसी स्थिति है तो हम गोदुग्ध का वर्णन गोदुग्ध का प्रयोग करेंगे। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू।
लेकिन अब ये मतलब अब ये जो पहला सूत्र बताया गया है, पहला उपक्रम बताया गया है विरेचन, उसके लिए किन किन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, उसके साथ आहार क्या होना चाहिए और विशेषतः दुग्ध का प्रयोग कब करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा पहले 3-4 सूत्रों में की गई। लेकिन अब यह प्रश्न निर्माण होता है कि क्या सभी लोगों को हम इन्हीं द्रव्यों की सहायता से विरेचन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि एक प्रश्न उठता है, अगर रुग्ण अत्यंत रुक्ष है, बहुआत है, अगर ऐसी स्थिति है तो इन द्रव्यों से शोधन करने के बाद भी ऐसा होता है कि वात अल्प मात्रा में बढ़ जाता है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड, वो तो अशुद्ध चिकित्सा हो जाएगी। इसीलिए अगर रुग्ण इस अवस्था में हमें हमारे सामने आ गया, कौन सी अवस्था, ये यहाँ लिखी गई है, रुक्षाणाम बहुवातानाम दोष संशुद्धि कांक्षणाम स्नेहनीयानि सर्पिंशी जठरग्नानि योजये। रुग्ण अगर रुक्ष अत्यधिक अत्यधिक रुक्ष रुग्ण है, बहुवात है, मतलब वात तो संप्राप्ति में प्रधान है, तो वो अत्यधिक मात्रा में होने ही वाला है, लेकिन जितना होने की आवश्यकता है उससे भी अत्यधिक मात्रा में अगर वात की वृद्धि हुई है, सो पॉइंट नंबर टू, मतलब वात की वृद्धि और उसमें भी रुक्ष गुण अगर अत्यधिक प्रधान है और दोष संशुद्धि कांक्षणा, और ऐसी स्थिति होने के बाद भी, मतलब वात अत्यधिक मात्रा में प्रवृत्त है, रुक्ष गुण अत्यधिक मात्रा में वृद्ध है, फिर भी दोष संशुद्धि कांक्षणा और दोषों के शोधन की अपेक्षा है, कांक्षणम रुग्णों की अपेक्षा, रुग्णों की इच्छा है, मतलब क्या है, दोष शोधन की अवस्था है, दोष शोधन की उस संप्राप्ति भंग के लिए आवश्यकता है। ऐसी अगर स्थिति है तो क्या करना चाहिए, स्नेहनीयानि सर्पयूंषि जठरग्नानि योजयेत्। डोंट गो डायरेक्टली फॉर विरेचन, पहले क्या करना चाहिए, स्नेहन करना चाहिए, और वो किन द्रव्यों की सहायता से करना चाहिए, सिद्ध घृतों की सहायता से करना चाहिए, लेकिन वो स्नेह घृत कैसे हो, स्नेहनीय यानी सर्पिंशी, सर्पिंशी के सर्पी के सहायता से करना चाहिए, लेकिन वो सर्पी स्नेह स्नेहनीय भी होने चाहिए और जठरग्न भी होने चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, घृत ये स्निग्ध है, मतलब सिर्फ स्नेह की बहुवात है और रूक्ष गुण अत्यधिक है, इसलिए सिर्फ अगर स्निग्ध द्रव्यों से अगर हमने घृत सिद्ध कर दिया और उस घृत का प्रयोग कर दिया तो वो रूक्ष गुण तो कम करेगा, बहुवात तो कम करेगा, लेकिन स्निग्ध गुण के कारण देर इज पॉसिबिलिटी इट में इंक्रीज श्रोतोरोध, वो श्रोतोरोध को बढ़ाएगा। अगर ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी अवस्था हो गई, तो इंस्टेड ऑफ संप्राप्ति भंग हम संप्राप्ति को बढ़ावा देंगे। इसीलिए सिर्फ स्निग्ध गुण का हम अगर अपेक्षा करेंगे तो हमारा काम होने वाला नहीं है, संप्राप्ति भंग होने वाला नहीं है। इसीलिए करना क्या चाहिए, हमें स्निग्ध द्रव्य ऐसे चाहिए जो जठरग्न है, मतलब व्याधि प्रतिनिधि द्रव्य है और फिर भी स्निग्ध है, मतलब उदरग्न और स्निग्ध ऐसे द्रव्यों का हमें चयन करना है और उन द्रव्यों से घृत सिद्ध करके उस घृत का प्रयोग हमें स्नेहन करने के लिए करना चाहिए। अगर ऐसा किया तो रूक्ष गुण को भी हम कम करेंगे और एट द सेम टाइम हम स्रोतो वृद्धि नहीं करेंगे, स्रोतो रोध की वृद्धि नहीं करेंगे। अगर ये जो है ना, ये सबसे मतलब योग कैसे बनाए जाते हैं, ये अपेक्षा है और इस अपेक्षा के कारण हमें कुछ न कुछ द्रव्य और कुछ न कुछ कल्पनाएं इकट्ठा करके योग बनाने पड़ते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कैसे योग बनाने हैं, इसके लिए ऐसे जो सूत्र होते हैं वो हमें बहुत लाभप्रद होते हैं, हमें समझा देते हैं कि कैसे द्रव्यों का और उपक्रमों का और औषधि कल्पनाओं का संयोग करना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट। अब ये अवस्था तो बता दी, मतलब घृतपान कब करना चाहिए इसकी अवस्था तो बता दी, उसके बाद जिन घृतों का मतलब ऐसी स्थिति में कौन कौन से घृत हमें लाभप्रद होते हैं उसका वर्णन किया है। सबसे पहले कौन से घृत का वर्णन किया है, षट्पल घृत का वर्णन किया है, षट्पलम दशमूलांबु मस्तु द्व्याधक द्विआढ़क साधितम। षट्पल घृत वाग्भट संहिता में 3 स्थानों पर वर्णित किया गया है। सबसे पहला वर्णन किया है वो राजयक्ष्मा में
जहां उसका वर्णन क्षीर शक्पल घृत नाम से किया गया है। उसके बाद उसका वर्णन जो पहला अध्याय हमने देख लिया इससे पहले गुल्म, उसमें वर्णन किया है उस स्थान पर उस अध्याय में दुग्ध के बजाय मस्तु, दाढ़ीमस्वरस, सुरा ऐसे द्रव्यों का वर्णन किया है, और वही कल्क द्रव्य का प्रयोग उदर में भी किया गया है, लेकिन द्रव द्रव्य सिर्फ बदल दिए है, दशमूलांबु और मस्तु। ओके, तो दशमूल क्वाथ और मस्तु ये दो द्रव्य हमें द्रव द्रव्य के तौर पर मिलाने हैं, लेकिन कल्क जो है वो सेम शक्पल, पंचकोल और यवक्षार। ओके, सो सिर्फ द्रव द्रव्य बदलने के कारण कैसे अधिकरण बदल जाता है, इसका यह सबसे महत्वपूर्ण और मतलब हमें सिखाने वाला उदाहरण है। ओके, राजयक्षों में क्या होता है, स्रोत शोधन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन स्रोत शोधन की अपेक्षा कम और उसके बाद जो धातु क्षय होता है उसका ब्रूहण करने की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए स्रोत शोधन करने के लिए शक्पल और उसमें ब्रूहण करने के लिए दुग्ध, इनका प्रयोग करके ये घृत बना दिया। वो अल्प मात्रा में स्रोत शोधन करेगा, उसके बाद ब्रूहण करेगा। ओके, गुल्म में उसकी उसकी तुलना में ज्यादा स्रोत शोधन की अपेक्षा होती है, भेदन की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसीलिए वह मस्तु का प्रयोग किया गया है। अगर पित्त प्राधान्य है तो दाढ़ी में स्वरस का प्रयोग किया गया है, तीक्ष्णत्व ज्यादा अपेक्षा है तो सुरा का प्रयोग किया गया है, और उदर में स्रोत शोधन की अपेक्षा है, इसलिए मस्तु का तो द्रव द्रव्य के तौर पर प्रयोग वैसे के वैसे रखा है। लेकिन जैसे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि वात ये संप्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण दोष होने के कारण हमें वात वृद्धि ना हो इसके लिए भी प्रयास करने चाहिए। इसीलिए जो द्रव द्रव्य बनाए गए हैं इसमें मिलाए गए हैं वो दशमूल क्वाथ और मस्तु, मतलब एक स्रोत शोधन करने वाला स्रोत मस्तु, ये स्रोत शोधन करने वाले द्रव्य में सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य है। ओके, वो भेदन करने वाला द्रव्य है, स्रोत शोधन करने वाला द्रव्य है, और दशमूल क्वाथ वो वात की वृद्धि नहीं करेगा। ओके, सो शक्पल मतलब स्रोत शोधन और वात की वृद्धि ना हो और फिर भी स्नेहन करेगा, इन सभी गुणों को एकत्रित एक ही द्रव्य में पाने के लिए इस योग का निर्माण किया गया है। ओके, सो इसकी फलश्रुति देखिए, यह फलश्रुति यहां तो कुछ नहीं वर्णन किया है, लेकिन इसकी फलश्रुति जो है वो राजयक्षमा में वर्णन की गई है। क्या है फलश्रुति, स्रोतसाम तद विशोधन, इट्स क्लियर नाउ। यह घृत करेगा क्या, स्रोत शोधन करेगा, और किन किन द्रव्य किन किन व्याधियों में इसका प्रयोग करना चाहिए, गुल्म, ज्वर, उदर, प्लीह, ग्रहणी, पांडु, पीनसान, श्वास, कास, अग्निसदन, श्वेतु, ऊर्ध्व अनिलांचय, मतलब दो मुद्दे सबसे महत्वपूर्ण है जो इस घृत की अवस्था डिफाइन करते हैं। नंबर वन, स्रोत साम तद विशोधनम, मतलब जहां जहां स्रोत शोधन की अपेक्षा है वहां वहां इस घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर टू, ऊर्ध्व अनिलांजय, मतलब स्रोत स्रोतोरोध के कारण वायु प्रतिलोम हुआ है, ऊर्ध्व प्रवृत्त हुआ है, ऐसी अगर स्थिति है तो इस अवस्था में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो ऊर्ध्व अनिल के कास, श्वास, पीनस ये सभी व्याधि जो है वो ऊर्ध्व प्रवृत्त वायु के निदर्शक है। ओके, सो ये इन व्याधियों में ये कैसे लाभ पहुंचाता है, सो ऊर्ध्व अनिल को ये अनुलोमित कर देता है, इसलिए श्वास, कास, पीनस में प्रयुक्त करेंगे तो लाभ हो जाता है। सो कैन वी कंक्लूड कि ये वात प्रधान या वात कफ प्रधान अवस्था में या दो अन्य दोषों से आवृत अगर वात है तो ऐसी अवस्था में विशेष लाभप्रद हो जाता है। इन इसकी फलश्रुति में जो व्याधि वर्णित है उनकी ओर अगर देख लिया, उनका क्लासिफिकेशन करने का अगर हमने प्रयास किया तो हम क्या पाते हैं, मतलब उदर ले लिया सबसे पहले, ये तो उदर अधिकरण में है, तो उदर की कौन कौन सी अवस्था में वर्णन करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, तो वातज उदर में वर्णन करना चाहिए तो अभ्यवास है। ओके, सो वात प्रधान अन्य भी है, मैं वात प्रधान कफानुबंधी, वात प्रधान पित्तानुबंधी, वात प्रधान संनिपात, ऐसी उदर की अवस्था है फिर भी उसका हम प्रयोग कर सकते हैं।
प्लीहोदर और यकृतोवर भी इसका प्रयोग कर सकते कि वहां भी मतलब इतने बहुत सारे व्याधि है वो रक्ताश्रित व्याधि। ओके, सो प्लीहोदर और यकृतोदर ये रक्तस्थ दोष होने के कारण कैसे क्या है ने संप्राप्ति लास्ट टाइम देख ली थी। ओके, सो रक्तस्थ अगर दोष है तो प्लीहोदर और यकृतोदर हो जाते हैं, यकृतोदर हो जाते हैं, मतलब इस घृत में ये क्षमता है कि वो रक्तस्थित दोषों को वहां से छोड़ करके कोष्ठ में लाने की अपेक्षा हम इससे कर सकते हैं। ओके, सो उदर में वातज उदर, वात प्रधान उदर और प्लीहोदर और यकृतोदर में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और व्याधि अगर देख ली तो गुल्म के उपद्रव में उदर है और ग्रहणी के उपद्रव में भी उदर है। सो गुल्म और ग्रहणी से उद्भूत उपद्रव स्वरूप अगर उदर की उत्पत्ति हुई है तो इसका लाभ अच्छी तरह से हो सकता है। उसके बाद श्वास, कास, पीनस, पांडु और शोथ इन व्याधियों को देखा तो वो उदर के उपद्रव में वर्णित है। ओके, सो गुल्म और ग्रहणी के ग्रहणी में उपद्रव के स्वरूप अगर उदर उत्पन्न होता है तो भी इस घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। और उदर से श्वास, कास, पीनस, पांडु, शोथ ऐसे उपद्रव हो सकते हैं तो भी हम इस घृत का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अन्य रोगों के बाद उपद्रव स्वरूप उत्पन्न होने वाला उदर और उदर के बाद उत्पन्न होने वाले उसके उदर उसके उपद्रव, इन सभी अवस्थाओं में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब इसकी रेंज कितनी वाइड हो गई आप समझ सकते हैं। ओके, सो इसकी अवस्था क्या हो गई, जैसे मैंने बताया स्रोत शोधन, ऊर्ध्व अनिल और अग्नि सदन। मतलब अग्नि अगर मंद है स्रोत शोधन की अपेक्षा है और ऊर्ध्व प्रवृत्त वायु है। सो इन अवस्थाओं में, इन तीन अवस्थाओं में हम इस घृत का प्रयोग कर सकते हैं। सो इट इज द सेंट्रल थीम, सेंट्रल लाइन ऑफ दिस कल्प इज अग्निसाद, स्रोतोरोध और ऊर्ध्व अनिल। ये तीन शब्द, ये तीन अवस्थाएं हमने अगर ध्यान में रख दी तो इसका प्रयोग हम अन्य व्याधियों की इस प्रकार की अवस्थाओं में भी कर सकते हैं। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। ओके, उसके बाद जो वर्णन किया है वो नागर यमक, इसका वर्णन किया है। आगे का जो सूत्र है उसमें यमक स्नेह का वर्णन किया है। क्या है उसमें, नागर त्रिपलम प्रस्थम घृत तैला तथा आढ़कम मस्तुनः साधयित्वा एतद् पिबेत् सर्वोदरापहम कफमारुत संभूते गुल्मे च परमं हितम्। ओके, नागर त्रिपलम, नागर विश्व शुंठी, वो कितनी लेनी चाहिए, त्रिपल लेनी चाहिए। प्रस्थम घृत तैला, घृत और तैल एक दोनों मिला करके एक प्रस्थ लेनी चाहिए। मतलब स्नेह कितना लेना चाहिए, एक प्रस्थ लेना चाहिए। और स्नेह में दो द्रव्यों का वर्णन है, घृत और तैल। ओके, सो दोनों मिला करके एक प्रस्थ लेना चाहिए। प्रस्थम घृत तैला तथा आढ़कम, क्या लेना चाहिए उस तथा एक आढ़क क्या लेना चाहिए, मस्तुनः, मस्त द्रव द्रव्य के तौर पर क्या उस किसका प्रयोग करना चाहिए, मस्तु का प्रयोग करना चाहिए। तो वो कितना लेना चाहिए, एक आढ़क मात्रा में लेना चाहिए। उसमें आप चाहे तो जल मिला सकते हैं, नहीं मिला दिया तो भी चल सकता है, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उसमें द्रव मिलाना चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि उसमें मस्तु द्रव प्रधान होने के कारण द्रव नहीं मिलाया तो भी चल सकता है। सो इट विल डिपेंड ऑन द संप्राप्ति, हमें कितना तीक्ष्णत्व चाहिए, कितने अग्नि संस्कार की आवश्यकता है, उसके आधार पर हम निर्णय करेंगे कि उसमें जल मिलाना है या उसमें जल नहीं मिलाना। ओके, लेकिन पाठ में जो कुछ बताया है उसके हिसाब से विश्व थ्री फल, तीन पल लेना चाहिए, घृत तैल एक प्रस्थ लेना चाहिए और मस्तु एक आढ़क लेना चाहिए। और मस्तुना साधयित्व एतत् पिबेत् सर्वोदरापहम, सर्व उदर घन ऐसा उसका वर्णन किया है। कफम आरुत संभूते गुल्मे च परमं हितम्। तो हम कफम आरुत संभूते ये उदर को भी लगा सकते हैं और गुल्म को भी लगा सकते हैं। ओके, सर्व उदर में ये प्रयुक्त कर सकते हैं, लेकिन विशेषतः कफम आरुत संभूते उदर, और कफम आरुत संभूत अगर उदर है तो हम इसका प्रयोग ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, अत्यधिक मात्रा में कर सकते हैं, सॉरी एक्यूरेटली कर सकते हैं। ओके, विशेषतः कर सकते हैं। ओके,
और गुल्म में भी अगर कफ मारो तो संभूत अगर ऐसी अवस्था है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसमें कल्कद्रव्य एक ही है और वस्तुत स्रोत शोधन करने वाला तीक्ष्ण भेदन करने वाला द्रव्य उसके बारे में हमने चर्चा की है तो शुंठी के गुण अगर देख लिए तो उसमें तीन विशेष गुण है जो इस अवस्था में हमें उपयुक्त है। एक वो अरुचि नाशक है, नंबर दो वो विबंध नाशक है, और तीन वो अग्निमांड्य हर है, अग्नि को प्रदीप्त करके। सो इट मीन्स उदर में अगर हमें अरुचि की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, विबंध की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, अग्निमांड्य की ओर हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसी अगर स्थिति है और सिर्फ घृत से उत्पन्न होने वाला स्नेह स्निग्धत्व पर्याप्त नहीं, ओके? अगर ऐसी स्थिति है तो एक स्नेह के बजाय हम यमक का प्रयोग करते हैं, दो स्नेहों का प्रयोग कर सकते हैं, ओके? सो ऐसी अगर आवश्यकता है तो हम इस योग का प्रयोग करेंगे, नागर यमक। मतलब कफवात प्रधान दोष है, विशेषतः शीत गुण प्रधान संप्राप्ति है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, नागर जो है वो वृष द्रव्य है, तो संप्राप्ति अगर शुक्र तक पहुंच गई है, ऐसी स्थिति है तो हम इस द्रव्य का प्रयोग करें। उसके बाद जो घृत आता है वो चित्रक घृत, चतुर्गुणे जले मूत्रे द्विगुणे चित्रकात्पले कल्के सिद्धम घृत प्रस्थम सक्षारम जठरी पिबे। चतुर्गुणे जले मूत्रे द्विगुणे ओके चित्रकात पले में चित्रकात कल के पले ओके सो चित्र का कल्क कितना हो गया, एक पल हो गया ओके। सक्षारम जठरी पिबे मतलब इसमें क्षार भी मिलाना चाहिए, उसके दो अर्थ हो सकते हैं। मतलब घृत सिद्ध करना है उसके बाद प्रक्षेप के तौर पर क्षार का प्रयोग करना चाहिए, या दूसरा भी अर्थ उसमें हो सकता है कि जब जैसे हमने शकपल घृत में यवक्षार मिला दिया पंचकोल और यवक्षार, वैसे चित्रक के साथ हम घृत सिद्ध करते वक्त ही उसमें यवक्षार मिला देंगे तो वो एक पल हो गया। सो चित्रक ये टीकाकार ने स्पष्ट किया है, मतलब कई टीकाकार ऐसा अर्थ कर सकते हैं हमें, अगेन मतलब ये दो अर्थ हो सकते हैं, हमें कितने कौन से गुण की आवश्यकता है, कौन सा गुण अत्यधिक होने की आवश्यकता है, उसके आधार पर हम ये कैसे निर्माण करना है निश्चित कर सकते हैं। सो चित्रक एक पल, क्षार मतलब यवक्षार एक पल, घृत एक प्रस्थ, और चतुर्गुणे जले घृत के हिसाब से चार, मतलब एक प्रस्थ अगर घृत ले लिया तो चार प्रस्थ जल लेना चाहिए। मूत्रे द्विगुणे मूत्र कितना लेना चाहिए, दुगुना लेना चाहिए, मतलब दो प्रस्थ गोमूत्र हो गया। ये सब मिला करके हमें विधिवत घृत सिद्ध करना चाहिए। इसका प्रयोग कब कैसे करना चाहिए, जठरी पिबे, देयर इज नो स्पेसिफिक अवस्था डिस्क्राइब किया, तो जठरी पिबे मतलब सभी जठरों के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मतलब यहाँ बदलाव क्या हुआ है, गोमूत्र ऐड किया गया है और नंबर टू चित्रक कल्कद्रव्य है, मतलब इन दो द्रव्यों की ओर अगर हम ज्यादा ध्यान दे तो ये दोनों द्रव्य अति उष्ण है ओके। सो शीत गुण प्रधान संप्राप्ति है, स्निग्ध गुण प्रधान संप्राप्ति है, गुरु मृत्स्न गुण भी संप्राप्ति में कुछ ना कुछ हिस्सा ले रहे हैं, ऐसी अगर स्थिति है तो ऐसे कफ प्रधान उदर में या कफाव वृद्ध अन्य दोष, ऐसी अगर स्थिति है तो हम इस घृत का प्रयोग कर सकते हैं। सो और चित्रक तो अग्नि मतलब विश्व भी अग्निमांड दूर करता है, लेकिन चित्रक साक्षात अग्नि है, सो तीव्र अग्निमांड है और उसकी फलश्रुति में शोथ भी आया है। सो उदर की उदर का उपद्रव के तौर पर शोथ उत्पन्न हुआ है, या शोथ के उपद्रव के तौर पर उदर उत्पन्न हुआ है, ऐसी अगर स्थिति है तो इट इज बेटर टू प्रिफर चित्रक घृत, क्योंकि चित्रक में उदर और शोथ इन दो व्याधियों का वर्णन है, मतलब ये द्रव्य उन दो व्याधियों के प्रति व्याधि प्रत्यनीक द्रव्य है ओके। सो अगर तीव्र अग्निमांड की अवस्था है, शोफोद्भूत उदर है या उदरोद्भूत शोफ है, ऐसी अगर स्थिति है तो हम इस घृत का प्रयोग करेंगे। पिछले घृत की अपेक्षा में इसमें तीक्ष्ण गुण उष्ण गुण अत्यधिक मात्रा में आ गया है, तो मतलब स्रोतोरोध अगर अत्यधिक है
तो इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद एक घृत आया है, वो यवादि घृत है। यवकोल कुलत्थानां पंचमूलस्य च अम्बसा सुरास वीर काभ्याम च सिद्धं वा पायेत घृतं। वा मतलब ऊपर के लिए वा आया है, मतलब पहले घृत का प्रयोग कर सकते हैं या इस घृत का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो कल के मतलब कल का वर्णन नहीं किया। यवकोल कुलत्थानां पंचमूलस्य च अम्बसा सुरास वीर काभ्याम च, मतलब ये सब क्या हो गए, द्रव द्रव्य ही हो गए। यवकोल कुलत्थ पंचमूलक क्वाथ और सुरास वीर, ये सब द्रव द्रव्य हो गए। तो अगर कल्क द्रव्य का विधान नहीं है तो जो क्वाथ द्रव्य है उनका ही कल्क उस सिद्धि के वक्त, घृत सिद्धि के वक्त या स्नेह सिद्धि के वक्त उसका प्रयोग करना चाहिए। यह नियम होने के कारण हम कल्क के तौर पर यवकोल और कुलत्थ का ही प्रयोग करेंगे। सो कल्क में यवकोल कुलत्थ और क्वाथ उसी का, पंचमूल क्वाथ और सुरास वीर, इन द्रव्यों की सहायता से हम घृत सिद्ध करेंगे। तो जो पहला घृत है वो कफ प्रधान अवस्था में, ये जो है वो वात प्रधान अवस्था में इसका प्रयोग ज्यादा करेंगे। शीत गुण अगर, मतलब शीत गुण वहां भी है लेकिन वो कफ का है और यहाँ वात का है, ऐसी अगर स्थिति है। स्रोतोरोधन, स्रोतोरोध प्रधान अवस्था है लेकिन पहले की अवस्था में इतनी नहीं है। अग्नि के बारे में यहाँ ज्यादा चर्चा नहीं है। सो अग्नि मंद तो होगा ही क्योंकि ये उधर है, लेकिन तीव्र अग्निमान्य की अवस्था जो चित्र घृत में वर्णित है वो इसकी अपेक्षा यहाँ नहीं है। तो बलवान रूप के, और दूसरी बात एक सबसे महत्व, यवकोल कुलत्थ जो है वो जितने जितने वातग्न बस्ती वर्णन किए गए हैं, वात व्याधि में बहुत बार ये तीन द्रव्य है इनका वर्णन किया गया है। सो वात प्रधान अगर अवस्था है तो इसका प्रयोग हम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। मतलब यवादि घृत का प्रयोग वात प्रधान उदर में कर सकते हैं, चित्रक घृत का प्रयोग हम कफ प्रधान उदर में कर सकते हैं, नागर घृत का प्रयोग, नागर यमक का प्रयोग हम कफवात प्रधान में कर सकते हैं, और शक्पल घृत का प्रयोग हम वात प्रधान या अन्य मतलब लिहोदर यकृतोदर इनमें, और ज्यादातर मतलब वाइड स्पेक्ट्रम जिसको हम बोलते हैं उस अवस्था में हम इसका प्रयोग करेंगे। सो स्नेहन करने के लिए यहाँ चार स्नेहों का वर्णन किया गया है, और वो कब करना चाहिए, जब रुग्ण बहुवात हो, रूक्ष हो और दोष शोधन की अपेक्षा हो, उस वक्त हम डायरेक्टली विरेजन की ओर नहीं जा सकते, रुग्ण को स्निग्ध करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए उस अवस्था में स्निग्ध और जठराग्न घृतों का प्रयोग करना चाहिए। उसके लिए हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं जिसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू नाउ। नाउ ये जो चार घृत है, चार स्नेह है, उसका वर्णन करने के बाद अब विरेचन करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रधान उपक्रम कौन सा है, विरेचन है। तो हमें विरेचन करने के लिए जो ऑब्स्टेकल था, क्या था, रुग्ण बहुवात है और रूक्ष गुण अत्यधिक है, उस ऑब्स्टेकल को हमने जो स्नेह यहां वर्णित है उनकी सहायता से अगर उसको दूर कर दिया तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, विरेचन करना चाहिए। सो इन घृतों का प्रयोग कब तक करना चाहिए, इसका वर्णन हमें इस सूत्र में मिल जाता है। ए भी स्निग्धाय संजाते बले शांते च मारुते स्त्रस्ते दोषाशये दद्यात् कल्पदृष्टं विरेचनम्। ए भी मतलब, ए भी मतलब ये जो चार स्नेह दिए हैं इनसे स्निग्धाय संजाते, रुग्ण जब स्निग्ध हो जाता है, मतलब जो रूक्ष है वो स्निग्ध हो जाता है, सो हमारा जो एक ऑब्स्टेकल है वो कम हो गया। नंबर दो बले संजाते, ओके, रुग्ण अबल है, मतलब विरेचन सहने की क्षमता, मतलब उदर है तो वो अल्प बल तो होने वाला ही है, उसमें तो बल हीनत्व अल्पत्व होने वाला ही है, लेकिन कम से कम वो विरेचन का वेग सह सके इतना तो बल उसमें होना चाहिए। उतना बल अगर जो पहले स्नेह वर्णन किए है उनसे प्राप्त हो गया उस अवस्था में, मतलब ये बलवान, बल की कितनी अपेक्षा हम कर सकते हैं, उतनी ही अपेक्षा कर सकते हैं जितनी विरेचन का वेग सहने के लिए पर्याप्त है। ओके, उससे ज्यादा बल वृद्धि होने की अपेक्षा हम नहीं कर सकते क्योंकि वो संप्राप्ति ही ऐसी है कि उसमें बल क्षीण हो जाता है। ओके, सो ए भी स्निग्धाय संजाते बले, मतलब स्निग्ध होने के बाद और बल प्राप्त होने के बाद,
तीसरा क्या है, शांते च मारुते। हमारा दूसरा ऑब्स्टेकल क्या था, बहु आता नाम, मतलब वात की वृद्धि अत्यधिक थी, तो यहां उन्होंने क्या बताया, शांते च मारुते, वो जो अत्यधिक वृद्धि थी वो कम हो गई। मतलब जो जो ऑब्स्टेकल हमें सूत्र चार में बताए गए थे वो सभी ऑब्स्टेकल हमें दूर करने हैं। किनकी सहायता से दूर करने हैं, इन चार स्नेहों के सहायता से दूर करने चाहिए। और ये दूर करने के बाद क्या, स्रस्ते दोषाशय, दोष स्रस्त हो गए, कहां, उनके आशय में, मतलब दोष विबद्ध नहीं है। अगर दोष विबद्ध है तो हम उस अवस्था में विरेचन नहीं दे सकते। दोष अगर उनके आशय में स्रस्त है, ऐसे अगर स्थिति है तो हम विरेचन दे सकते हैं। सो व्हाट इज एडिशनल एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस ग्रुत रादर दिस स्नेह इज स्रस्तत्व ऑफ दोष। ओके, और वो भी कहा उनके उनके आशय में, स्रस्ते दोषाशय दद्यात विरेचनम। अगर इस अवस्था में रुग्ण पहुंच गया, मतलब वो स्निग्ध हो गया, उसको बल प्राप्त हो गया, वात का शमन हो गया, और जो जिन दोषों का हमें शोधन करना है उन दोषों को उनके उनके आशय में स्रस्तत्व प्राप्त हो गया, वो स्त्यान गुण से जो आशय है उसको चिपके नहीं है, वो स्रस्त होने के कारण बाहर जाने के लिए उत्सुक है, प्रवृत्ति उन्मुख तक, उन्मुख अवस्था तक पहुंच गए है, ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो गई है तो उस अवस्था में विरेचन देना चाहिए। उसके लिए किन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, कल्प दृष्टम, कल्प स्थान में जितने जितने विरेचन के योग बताए गए हैं उनका प्रयोग आप यहां कर सकते हैं। सो नाउ इट इज योर ड्यूटी, मैंने सोच लिया था लेकिन मैंने कहा कि इट वुड बी बेटर इफ यू फाइंड इट। सो नाउ इट इज योर ड्यूटी कि कल्प स्थान में जितने जितने विरेचन योग है उनमें से उधर के लिए कौन कौन से योगों का प्रयोग हम कर सकते हैं उनकी एक लिस्ट बनाना और उसकी अवस्था का निर्णय करना। ओके, सो दिस इज होमवर्क फॉर यू। ओके, सो एभिः स्निग्धाय संजाते बले शांते च मारुते स्रस्ते दोषाशय दद्यात् कल्पद्रष्टं विरेचनम्। नाउ कुछ चार पांच द्रव्य है जिनका वर्णन उन्होंने इस अध्याय में किया है। इस अध्याय में किया है मतलब इन द्रव्यों का प्रयोग हम विशेषतः कर सकते हैं, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इन द्रव्यों का प्रयोग हम प्रधानता से कर सकते हैं। बाकी तो आपको उन्होंने पूरा कल्पस्थान बता दिया है, उनमें से आप किसी भी द्रव्य का चयन कर सकते हैं। सो पहला जो है वो पटोल मूलादि चूर्ण। ओके, सो क्या है पटोल मूलादि चूर्ण में, पटोल मूलम त्रिफलम निशाम वेल्लम च कार्षिकम कंपिल्ल नीलिनी कुंभ भागा द्वित्रिक चतुर्गुणान पिबेत संचूर्ण मूत्रेण पेया पूर्वम ततो रसैहि विरिक्तः जांगलैहि अद्यात् ततः षड् दिवसं पयः श्रुतं पिबेत् व्योषयितुं पीतं एवं पुनः पुनः हन्ति सर्वोदराणि एतत् चूर्णं जातोदकान्यपि। ओके, पटोलमूलं मतलब वी विल सी। ओके, क्या है पटोलमूलम, त्रिफला, निशा, वेल्ल, ये सब द्रव्य एक एक कर्ष लेने चाहिए। ओके, उसके बाद कंपिल्ल नीलिनी कुंभ भागान द्वित्रिक चतुर्गुणान, कंपिल्ल नीलिनी और कुंभ कुंभी जो है वो कितने लेने चाहिए, दो तीन और चार गुण, मतलब दो कर्ष तीन कर्ष और चार कर्ष, क्योंकि पहले वाले जो द्रव्य है वो एक एक कर्ष ले लिए। ओके, और इनमें और कुछ संस्कार नहीं है, सिर्फ इनको एकत्रित करना है और मिश्रण करना है, मिश्रण करना यही सिर्फ संस्कार इसमें दिया गया है। वितृत चतुर्गुणान पिबेत संचूर्ण, किसके साथ पीना चाहिए, मूत्रेण, मतलब इसका अनुपान भी स्पष्ट कर दिया है, ये गोमूत्र के साथ इसका पान करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। ओके, पिबेत संचूर्ण मूत्रेण, उसके बाद पेया पूर्वम ततो रसैहि विरिक्तः जांगलैहि अद्यात् ततः षड् दिवसं पयः। सो उसके बाद उन्होंने क्या किया है, विशेष संसर्जन कर्म का प्रयोग किया गया। कैसे, क्या प्रयोग किया है, मूत्रेण पिबेत, उसके बाद पेया पूर्वम, सबसे पहले क्या करें, मतलब यह संसर्जन क्रम आ गया। जब आपको समझ में आएगा कि हमने संसर्जन क्रम के लिए एक विशेष व्याख्यान का आयोजन उधर के पहले क्यों किया गया था, क्योंकि उधर में बहुत स्थानों पर ऐसा है
कि संसर्जन क्रम का प्रयोग बताया गया है और उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन बताया गया है, उसको उसकी ओर आपका ध्यान खींचने के लिए ही हमने संसर्जन क्रम के बारे में विस्तार से आपसे उधर के पहले चर्चा की थी। सो इफ यू आर नॉट क्लियर विद दैट, आप उस सत्र को फिर एक बार देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तो मैं जो कह रहा हूं वो आपके ध्यान में ठीक तरह से, अच्छी तरह से आ जाएगा। सो पिबेत संचूर्ण मूत्रेण पेया पूर्वम, पूर्वम सबसे पहले क्या लेना चाहिए, पेया का पान करना चाहिए, उसके बाद ततो रसई ही जांगल ही अध्यात, मतलब जांगल रस, मतलब जांगल प्राणियों का जो मांस रस है उससे अध्यात, मतलब सेवन करना चाहिए। क्या सेवन करना चाहिए, अन्न सेवन करना चाहिए, अन्न का मतलब ओदन सेवन करना चाहिए, मतलब पहले पेया और जांगल मांस रस के साथ ओदन का सेवन करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, तथा षट दिवसम पयः, उसके बाद छह दिन तक क्या करना चाहिए, पयपान करना चाहिए। कैसे वो पय कैसे होना चाहिए, श्रुतम पिबेत व्योषयुतम, ओके, श्रुतम श्रुतम व्योषयुतम श्रुतम, ओके, मतलब व्योष सिद्ध करना चाहिए या व्योष युक्त करना चाहिए। सो अगेन यू हैव टू डिसाइड कि हमें सिद्ध करके इतना तीक्ष्णत्व तो चाहिए या सिर्फ मिला करके जितना तीक्ष्णत्व तो आएगा उस उतना हमें उस संप्राप्ति का भंग करने के लिए पर्याप्त है। अगर ज्यादा स्रोत शोधन की आवश्यकता है तो त्रिकट सिद्ध पय का प्रयोग कर सकते हैं, उसकी तुलना में कम स्रोत शोधन की अपेक्षा है तो त्रिकट युक्त श्रुत पय का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये कितने दिन तक करना है, यह छह दिन तक करना चाहिए, ओके। इतना होने के बाद, इतना सब इस चूर्ण का विधि है, ओके। श्रुतम पिबेत व्योषयुतम पीतम एवं पुनः पुनः, तो ये एक ही बार करना है, ऐसी स्थिति नहीं है, ये इस चूर्ण का प्रयोग बार बार करना चाहिए। जैसे हमने पहले सूत्र में बताया, नित्यम विरेचय, नित्यम मतलब इस चूर्ण का प्रयोग किया, विरेचन हो गया, उसके बाद इस जो विशेष संसर्जन क्रम है उसका प्रयोग किया, उसका प्रयोग करने के बाद जब हमें उचित लगे उसके एक दिन के बाद, दो दिन के बाद या दो चार दिन का विश्राम देने के बाद फिर से हमें विरेचन और इस उपक्रम का प्रयोग करना है, ओके। सो इस चूर्ण का प्रयोग कर हम कब कर सकते हैं, सभी द्रव्यों का अगर हम देखेंगे तो ज्यादातर द्रव्य कटु और तिक्त प्रधान है। सो कफ प्रधान संनिपात है, विरेचन की अवस्था है जो हमने पहले देखी है, विरेचन की अवस्था है, और उन्होंने क्या बताया, हंति सर्वोदराणि एतत् चूर्णं जातोदकानि अपि, ये जातोदक अवस्था में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, मतलब अजातोदक अवस्था में तो कर ही सकते हैं। सो उधर जातोदक हो या अजातोदक हो, किसी भी उधर की अवस्था में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन द्रव्यों की ओर अगर हम देखेंगे, क्योंकि ज्यादा संस्कार तो है ही नहीं, सिर्फ इसीलिए सिर्फ द्रव्यों की ओर देख लिया, और मिश्रण मिश्रण है, एक ही संस्कार है, तो इसका इसके और ध्यान देने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि अगर कफ प्रधान संनिपात है तो हम इस चूर्ण का प्रयोग विरेचन के लिए ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं, विशेषतः कर सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट चूर्ण जो बताया गया है, अगेन विरेचन योग है, गवाक्षादि योग, गवाक्षिम शंखिनिम तंतिम तिलवकस्य त्वचम वचाम पिबेत करदगंध मृद्वीका कोल अंभो मूत्र सीधुभिः, गवाक्षी शंखिनी दंती तिलवकस्य त्वचम वचा, मतलब ये जो द्रव्य है इनको सिर्फ मिलाना है, वो भी इसकी मात्रा भी नहीं है, सो सम मात्रा में उसको मिलाना है। गवाक्षी शंखिनी दंती तिलवकस्य त्वचम वचा पिबेत, किन द्रव्यों के साथ, करकंधु मृद्विका मतलब कर अंभ, मतलब मृद्विका अंभु और कोल अंभु, मूत्र सीधु भी, मतलब इतने सारे अनुपान इसके साथ दिए गए। सो इस कल्प का विशेष क्या है कि इतने सारे अनुपानों के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सो फर्स्टली वी विल से कि इन इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो फलश्रुति उन्होंने कुछ दी नहीं है, मतलब ऊपर वाला जो कल्प है, इससे पहले वर्णित जो कल्प है उसकी फलश्रुति हमें अनुवर्तित करनी चाहिए। उसकी फलश्रुति क्या है, हंति सर्वोदराणि एतत् चूर्णं जातोदकानि, तो सर्व उदर अजातोदक या जातोदक उसमें हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो
कफ प्रधान संनिपात ये पहले ही अवस्था हो गई। तो नाउ क्वेश्चन आ रहा है इसकी पहला कल्प जो कि पटोल मूलादि है और यह दूसरा कल्प जो कि गवाक्षर्य है, इसमें भेद क्या है। सो इन द्रव्यों की ओर अगर देखेंगे तो पहले योग की अपेक्षा में इसमें वर्णित जो द्रव्य है वो अधिक विरेचन करने वाले है, अधिक वीर्यवान द्रव्य है। सो तीव्र विरेचन की अपेक्षा हो, दोषों का बल अत्यधिक हो और रुग्ण का बल भी इतना तीक्ष्ण विरेचन सहने के लिए क्षम हो, ऐसी अगर स्थिति है तो पटोल मूलादि चूर्ण के बजाय अगर गवाक्षर योग का प्रयोग कर दिया तो अधिक लाभप्रद हो सकता है। दूसरी बात इसमें इसमें क्या हमें ध्यान में लेनी चाहिए, इसमें वर्णन किए गए भिन्न भिन्न अनुपान द्रव्य। ओके, सो कर्कंदुक्वाथ इसका प्रयोग हम कब कर सकते हैं, कफ प्रधान में वात का अनुबंध है, मतलब वात प्रधान है, कफ प्रधान में भी वात का अनुबंध है, ऐसी अगर स्थिति है, विबद्ध वात ऐसी अपेक्षा है, वात के अनुलोमन की अपेक्षा है, ऐसी अगर स्थिति है तो हम कर्कंदुक्वाद के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। पित्तवात उसमें प्रधान आ गए है, मतलब कफ प्राधान्य में भी अनुबंधी पित्तवात है, ऐसी अगर स्थिति है, रुग्ण अत्यधिक रूक्ष है, अपतर्पित है, ऐसी स्थिति है तो मुद्रिका क्वाथ का अनुपान हम दे सकते हैं। अगेन कर्कंदु और कोल इनमें कुछ ज्यादा भेद नहीं है, ओके, सो उसी अवस्था में हम कोल का भी प्रयोग कर सकते हैं। गोमूत्र कफ प्राधान्य अधिक है, स्रोतोरोध अत्यधिक मात्रा में है, अगर ऐसी स्थिति है तो इस चूर्ण का प्रयोग हम गोमूत्र के साथ कर सकते हैं। सीधु का प्रयोग कफवात प्राधान्य है तो कर सकते हैं, मतलब कौन सी अवस्था में किस अनुपान का प्रयोग करना चाहिए इसका भी हमें निर्णय करना चाहिए। इतना विचार जब हम करेंगे, इतना सोच समझ के द्रव्य और उसके अनुपानों का सिलेक्शन जब हम करेंगे तो हमें ज्यादा सिद्धि प्राप्त होती है, ज्यादा अच्छी तरह से हम लोगों को ठीक कर सकते हैं, संप्राप्ति भंग ज्यादा अच्छी तरह से और कम समय में कर सकते हैं। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अनुपान द्रव्य ऑल्सो, जिसका हमें इस सूत्र में ठीक तरह से ज्ञान होता है, ठीक तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे भिन्न भिन्न अनुपान द्रव्यों की सहायता से हम ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद जो चूर्ण आता है वो नारायण चूर्ण, यवानी हपुषा धान्यम शतपुष्पोपकुंचिका कारवी पिप्पली मूलम अजगंधा शठी वचा चित्रक अजाजिकम व्योषम स्वर्ण क्षीरी फलत्रयम द्वौ क्षारौ पौष्करम मूलम कुष्ठम लवण पंचकम विडंगम च समांशानि दंत्याभागत्रयम् तथा त्रिभुद्विशाले द्विगुणे सातला च चतुर्गुणा एष नारायणो चूर्ण रोग गणापहः। यहाँ भी इतने सारे द्रव्य हैं, उनके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, यहाँ भी इन सारे द्रव्यों को इन जो वर्णित मात्रा है क्या है, यवानी से लेकर विडंग तक जितने द्रव्य है उनको सम मात्रा में लेना चाहिए, सम भाग में लेना चाहिए। उसके बाद दंती जो है वो कितनी लेनी चाहिए, वो तीन भाग, मतलब ये एक एक पल ले लिया तो ये तीन पल ले सकते हैं, और उसके बाद त्रिवृत्त विशाला जो है वो हर द्रव्य दो दो पल लेना चाहिए या दो दो भाग लेना चाहिए, दो दो हिस्से लेना चाहिए, और सबसे अंत में जो सातला का वर्णन किया है वो चार भाग लेना चाहिए। तो इन मात्रा में इन द्रव्यों को इकट्ठा करना और मिश्रण करना, इतना ही इसमें से वर्णन है। उसके बाद क्या है, एष नारायण नाम चूर्ण, इसका नाम क्या है, नारायण चूर्ण है। रोग गणापह, रोग गण अपह मतलब रोगों का समूह नष्ट करने के लिए यह सक्षम है। नयनम प्राप्य अभिवर्धनते रोगा विष्णु इवासुरा, इसका सेवन करने के बाद रोगों की वृद्धि नहीं होती है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, उसकी फलश्रुति, ये जो है इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम फलश्रुति देखेंगे। तक्रेण उदरी भी पेयो कुलमी भी बदरांबुना आनाहवाते सुरया वातरोगे प्रसन्नया दधिमंडेन विट संगे दाढ़िम अम्बो भी अर्षसई परिकर्ते सवृक्षामलय उष्णाम्भुभि अजीर्ण के भगंदरे पांडुरोगे कासे श्वासे गलग्रहे रुद्रोगे ग्रहणी दोषे कुष्ठे मंदे अनले ज्वरे दंष्ट्रा मूले
मूल विषय सगरे कृत्रिमे विषय यथारहम स्निग्ध कोष्ठेन पेयम एतद् विरेचनम्। ओके, सो यहां भी जैसे गवाक्षी चूर्ण में, गवाक्षादि चूर्ण में बताया गया था भिन्न भिन्न अनुपानों का प्रयोग, तो यहाँ दैट इज द एक्सटेंडेड वर्जन। यहाँ तो कितने सारे 5-7 अनुपान दिए गए हैं और उनके साथ वो किस किस व्याधि में प्रयोग करना चाहिए इसका वर्णन किया है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ वी कैन लर्न। ओके, सो कैसे द्रव्य और अनुपान का फर्क करने के बाद, बदलाव करने के बाद, मॉडिफिकेशन करने के बाद हम उसी द्रव्य की सहायता से कहां से दोषों को निकाल सकते हैं इसका ज्ञान हमें ये जो फलश्रुति है और ये जो अनुपानों का वर्णन किया गया है उससे हमें ज्यादातर अच्छी तरह से मिल जाता है। सो ये इन सभी द्रव्यों को अगर देख लिया तो इसमें ज्यादातर कटु द्रव्य है, उसके बाद तिक्त द्रव्य और लवण द्रव्य है। सो कटु तिक्त लवण प्रधान उसका रस हो सकता है, ज्यादातर द्रव्य रूक्ष और उष्ण गुणात्मक है। सो डेफिनेटली कफ प्रधान संनिपात और बहुदोष अवस्था ये इसकी अवस्था होगी। ज्यादातर कोष्ठ संबद्ध व्याधियों का वर्णन किया गया है, लेकिन कुछ व्याधि ऐसे है जो रस रक्त और मांस से संबद्ध है, मतलब इस द्रव्य का कार्य, मतलब दोष अगर रस से मांस तक है तो वहां से दोषों को निकालने के लिए इस द्रव्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। और तीव्र स्रोतोरोध प्रधान और लीन दोष, लीन दोष क्यों हम बाद में देखेंगे। ओके, सो इट विल बी द कंसाइज रूप वेयर वी कैन यूज दिस कल्प। इसमें फलश्रुति में कुछ विशेष बातें कही हैं, उससे हमें क्या क्या ज्ञान मिलता है उसके बारे में हमें हम जब चर्चा करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिसाइड द अवस्था ऑफ दिस पर्टिकुलर कल्प। ओके, पहला वर्ण रोग गणापह, रोग गण अपह, गण मतलब संयोग, समूह, रोगों के समूह को, समूह का हरण करने के लिए ये चूर्ण पर्याप्त है। मतलब क्या, अनेक व्याधियों में उत्पन्न होने वाली एक विशिष्ट अवस्था है, उस अवस्था पर इस कल्प का अच्छी तरह से प्रयोग हो सकता है। मतलब उस अवस्था को हमने अगर जीत लिया तो उस व्याधि की संप्राप्ति भंग के लिए इस द्रव्य का हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ऐसी एक अवस्था है जो बहुत सारे व्याधियों में उत्पन्न होती है, उन व्याधियों की संप्राप्ति में ये घटने वाली महत्वपूर्ण घटना है, उस पर ये काम करेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर वन। और पॉइंट नंबर टू, इससे हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं, एक व्याधि और उससे उत्पन्न होने वाले अन्य अन्य लक्षण या उससे उत्पन्न होने वाले अन्य अन्य उपद्रव, या जैसे हमने पहले बताया अन्य अन्य व्याधियों के कारण उत्पन्न होने वाला उदर, मतलब इन सभी व्याधियों पर काम करने वाला एक द्रव्य अगर हमें चाहिए तो वो नारायण चूर्ण हो सकता है। सो रोग गणापह, इससे हमें इन दो बातों का ज्ञान होता है। नंबर एक, ये उदरोद्भूत अन्य अन्य उपद्रवों पर भी अच्छी तरह से काम करेगा, पॉइंट नंबर वन। और ये ऐसी अवस्था पर काम करेगा जो बहुत सारे व्याधियों में कॉमन घटना है, संप्राप्ति में घटने वाली विशेष घटना है, और वो घटना कौन सी है, वो स्रोतोरोध है। ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, न एनम प्राप्य अभिवर्धनते रोगा विष्णु इवासुरा, मतलब इसका सेवन करने के बाद न रोगा अभिवर्धनते, रोगों की वृद्धि नहीं होती है, मतलब वो संप्राप्ति अरेस्ट हो जाती है। ओके, रोगों की वृद्धि नहीं होती है, सो वो संप्राप्ति अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद की संप्राप्ति को हम, मतलब संप्राप्ति को हम बढ़ने से रोक सकेंगे। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा अर्थ भी इससे निकलता है कि ये अनुत्पत्तिकर है, मतलब रोग ही उत्पन्न ना हो इसके लिए अगर हमें कुछ प्रयास करने हैं तो भी हम इस चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो रोग की उत्पत्ति ही ना हो इसलिए अगर हमें शोधन करना है, मतलब ऐसा हो जाता है इसमें जो वर्णित व्याधि है वो अगर कुलज व्याधि है और हमारे सामने अगर रुग्ण आता है कि ये, मतलब मेरे पास ऐसे भी रुग्ण है कि जिनके कुल में
दो तीन पीढ़ियों में उधर उत्पन्न हुआ है। सो मतलब देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो नेक्स्ट पीढ़ी में आ जाएगा। तो अगर ऐसे लोग अगर आपके पास आते हैं और उनको अगर शोधन करना है, तो इस द्रव्य से अगर शोधन किया तो दैट वुड बी मोर एप्रोप्रिएट सिलेक्शन ऑफ द्रव्य। ओके, सो व्याधि प्रत्यनिक भी हो गया। न एनम प्राप्य अभिवर्धनते रोगा, इस फलश्रुति से अगर हमने इस द्रव्य का प्रयोग किया तो वो नेक्स्ट जनरेशन में अनुवर्तन होने के लिए जो कुछ करना है इसके लिए भी ये पर्याप्त तो हो सकता है, लाभप्रद हो सकता है। ओके, सो इससे संप्राप्ति नहीं बढ़ेगी या अनुत्पत्ति कर द्रव्य, इस फलश्रुति के साथ भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण इस फलश्रुति में कही गई है, यथार्हम स्निग्ध कोष्ठे न, इनमें जितने द्रव्य है हमने देख लिया कि वो रूक्ष लघु उष्ण गुण से युक्त है। सो अगर कोष्ठ रूक्ष है तो इन 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 गुणयुक्त द्रव्यों की सहायता से निर्मित नारायण चूर्ण का प्रयोग किया तो वो अच्छा परिणाम नहीं दिखाएगा, उससे अच्छा लाभ नहीं होगा। इसलिए व्हाट इज द प्री कंडीशन क्या है कि वो स्निग्ध करके ही इसका प्रयोग करना चाहिए। जो यहाँ भी स्निग्ध करने के बाद जो कल्प वर्णित है इसमें ही उसका प्रयोग है। सो स्नेहन करना, दैट इज प्री कंडीशन। और वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस फलश्रुति, यथार्ह स्निग्ध कोष्ठ। ओके, यथा अर्ह स्नेह, मतलब जिस व्याधि के लिए हम इस द्रव्य का प्रयोग करने जा रहे हैं उस व्याधि में जो द्रव्य वर्णित है उन द्रव्यों से स्नेह सिद्ध करना चाहिए और उससे कोष्ठ स्निग्ध करना चाहिए, उसके बाद इस द्रव्य से विरेचन करना चाहिए। मतलब एक ही द्रव्य से कोष्ठ स्निग्ध करना चाहिए ऐसे नहीं है। अगर उस व्याधि को ठीक तरह से शमन, व्याधि का ठीक तरह से शमन करना है तो उसकी ओर गामित्व होने वाला द्रव्य अगर हमने सिलेक्ट कर लिया, उसका चयन कर लिया तो वह ज्यादा अच्छा परिणाम देगा। इसीलिए उस अध्याय में वर्णित जो द्रव्य है उन द्रव्यों की सहायता से अगर स्नेह सिद्ध किया और स्नेहन के लिए उस द्रव्य का प्रयोग किया सो दैट विल गिव यू बेटर आउटपुट, बेटर रिजल्ट। ओके, सो यथार्हम स्निग्ध कोष्ठेन, इससे यह स्पष्ट हो जाता है तत्त्व व्याधि प्रत्यनिक द्रव्यों से सिद्ध स्नेह से कोष्ठ को स्निग्ध करना और उसके बाद इस द्रव्य का प्रयोग करके विरेचन करना। ओके, एंड नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एक पूरी पंक्ति इसका वर्णन किया है, दंष्ट्रा विषय मूल विषय सगरे कृत्रिमे विषय, या गरे विषय कृत्रिमे विषय, मतलब दंष्ट्रा विष हो, मूल विष हो, गर विष हो या कृत्रिम विष हो, इनमें से किसी भी विष का प्रयोग हो तो उसमें विरेचन के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब विष अधिकरण में इसका प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं। इससे हम क्या कर सकते, क्या समझ सकते हैं, विषवत दृढ़ और धातुलीन अगर दोष संघात है, मतलब विष से क्या होता है, दोष संघात जो है वो दृढ़ हो जाता है, लीन हो जाता है और उसको निकालना उतना आसान नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जब दोष पहुंच जाते हैं, ऐसी स्थिति में जब व्याधि पहुंच जाता है तो वहां से निकालने के लिए विष द्रव्यों की आवश्यकता होती है। सो अगर ऐसी अवस्था में जो दोष है उनको अगर ये निकालता है तो ऐसे ही अवस्था में अगर उदरस्थ दोष है, मतलब दृढ़ है और धातु लीन है, तो उसमें हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, विष द्रव्य में जो विष चिकित्सा में जो हमें चिकित्सा करनी पड़ती है वो आशु करनी पड़ती है, दोषों का निर्हरण भी हमें आशु करने की आवश्यकता होती है। सो इसका प्रयोग हम आशुकारी अवस्था में जब दोषों का निर्हरण तुरंत करने की आवश्यकता है उसमें कर सकते हैं, और विष का प्रयोग, मतलब विष का परिणाम ज्यादातर रक्त पर होता है, तो मतलब रक्तस्थ अगर दोष ज्यादा है तो हम इसका प्रयोग ज्यादा करेंगे। तो इतना सारा ज्ञान हमें इसकी जो फलश्रुति है इससे मिल जाता है। तो अगेन वी विल सी द सेम थिंग, कौन कौन से व्याधि में कौन कौन सा अनुपान वर्णन है और उसका
यहाँ विशेष क्या है, ओके। सो उधर में तक्र के साथ उसका प्रयोग करना चाहिए। तक्र कैसा है, रुक्ष है, अपतर्पण करने वाला है, स्रोतशोधन करने वाला है, विच इज द एक्सपेक्टेड कर्म इन उदर संप्राप्ति। सो इसीलिए उदर में उसका प्रयोग किया गया है। गुल्म में बदर के साथ, गुल्म में संप्राप्ति क्या है, पहले धातु क्षयजन्य संप्राप्ति है और उसके बाद अवरोध उत्पन्न हो जाता है, तो वहां स्निग्ध अनुलोमन की आवश्यकता होती है। सो बदर ये स्निग्ध वातानुलोमन करने वाला द्रव्य है और अम्ल द्रव्य के अम्लत्व के कारण कुछ हद तक संदर्पण करने वाला द्रव्य है। सो धातु क्षयजन्य संप्राप्ति अत्यधिक है, स्निग्ध वातानुलोमन की अपेक्षा है, इसीलिए गुल्म में बदर का प्रयोग किया गया है। अनाहवाते अनाहवात अगर है तो उसमें सुरा से, सुरा क्या है, भेदन करने वाला द्रव्य है। सो अनाह में अगर भेदन की अपेक्षा ज्यादा है तो इसीलिए सुरा का प्रयोग किया है। वात रोग में प्रसन्ना, प्रसन्ना कैसी है, सूक्ष्म स्रोतोगामी है, इसीलिए वात रोग में जहां सूक्ष्म स्रोतसस्थ दोष है, ऐसी स्थिति है, तो हम प्रसन्ना का प्रयोग करेंगे। भिक्षंग उसमें दधिमंड का प्रयोग करेंगे, स्निग्ध और पार्थिव अनुलोमन और दधिमंड, मतलब आप दधिमंड का आप देखेंगे तो अर्श में, उसके बाद प्रवाहिका में, ऐसे जो पक्वाशयस्थ व्याधि है उसमें बार बार दधिमंड का प्रयोग आता है, मतलब इसका गामित्व तो पक्वाशय की ओर है। सो विटसंग हो गया तो दधिमंड के साथ प्रयोग करेंगे तो इसका काम जो है वो पक्वाशय पर ज्यादा होगा। अर्श में दाढ़ीमांबू के साथ, ये ठीक तरह से उसका कार्यकारण भाव स्पष्ट नहीं होता है लेकिन मैं भी ये रक्तार्श में ज्यादा प्रयुक्त तो हो सकता है, ओके। परिकर्तिका, कर्तिका परिकर्तिका में वृक्षाम्ल के साथ है इसका प्रयोग करना चाहिए। आप परिकर्तिका की चिकित्सा देखेंगे तो बहुत कल्पों में वृक्षाम्ल का प्रयोग किया है। सो वी कैन कंक्लूड, एटलीस्ट वी कैन से कि वृक्षाम्ल का और परिकर्तिका कुछ ना कुछ संभव है, संबंध है, हो सकता है कि वो व्याधि पत्तनी का द्रव्य है। सो परिकर्तिका में अगर इसका प्रयोग करना चाहिए तो वह हम वृक्षाम्ल के साथ करेंगे तो वह अधिपत्नी का शोधन बन जाएगा, ओके। सो इन अनुपानों को अगर हम ठीक तरह से समझ लेने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे, तो हमारे सामने क्या आता है, ये जो अनुपान है वो उस व्याधि की संप्राप्ति की ओर इस द्रव्य को ले जा सकते हैं, ले जाते हैं, या उस व्याधि की संप्राप्ति में जो एक सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसका भंग करने की आवश्यकता है, उस पड़ाव की तरफ इस चूर्ण को ले जाने की क्षमता इन अनुपानों में है। इसीलिए सिलेक्शन ऑफ अनुपान इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ओके। सो इट इज, मतलब सिलेक्शन ऑफ द्रव्य इज इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्शन ऑफ अनुपान ऑफ दैट पर्टिकुलर द्रव्य इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ये हमें ध्यान में रखने की अत्यंत आवश्यकता है, ओके। उसके बाद जो आता है वो हपुषादि चूर्ण, ओके। हपुषाम कांचन क्षीरिम, त्रिफलाम नीलिनी फलम, त्रायंतिम रोहिणीम तिक्ताम, सातलाम त्रिवृताम वचाम, सैंधवम काल लवणम, पिप्पलिम च एति चूर्णयति। यहाँ भी कुछ अन्य संस्कार नहीं है, सिर्फ इन द्रव्यों को एकत्रित करना है और मिश्रण करना है। दाढ़िम त्रिफला मांस रसमूत्र सुखोदकैहि, पेय अयम सर्वगुल्मेषु लिन्नि सर्वोदरेषु च, श्वित्रे कुष्ठेषु अजरके सदमे सदने विषमे अनले, शोफार्षः पाण्डुरोगेषु कामलायां हलीमके, वातपित्त कफांश्चाशु विरेकेण प्रसादये। ओके, सो इन द्रव्यों की ओर भी अगर देखेंगे तो इसमें ज्यादा तिक्त के बजाय, सॉरी कटु के बजाय इसमें ज्यादा तिक्त द्रव्य है, कटु द्रव्य उसमें तुलना में कम है। सो तिक्त कटु और अल्प लवण द्रव्यों का प्रयोग इसमें किया गया है, मिश्रण इसमें किया गया है। सो इसका तीक्ष्णत्व पहले जो दो कल्प वर्णन किए उनकी तुलना में थोड़ा कम होने की संभावना है। सो पित्त कफ प्रधान अगर ऐसी अवस्था है, इन सभी व्याधियों की ओर देख लिया तो वह सभी व्याधि रक्त और मांस संबद्ध है, तो कोष्ठ और रक्त मांस संबद्ध दोष है, यहां स्थित दोष है और ज्यादा तीक्ष्ण विरेचन की आवश्यकता नहीं है, ऐसी अगर स्थिति है तो हम इस चूर्ण का प्रयोग करेंगे। नाउ अगेन होमवर्क फॉर यू, मैंने यहां पर्पजली डिस्क्राइब नहीं किया है,
यहाँ दाढ़ी में त्रिफला बाउंसरस मूत्र सुखोदक, ये इतने अनुपान वर्णन किए गए हैं। जैसे हमने यहाँ देख लिया है कि भिन्न भिन्न अनुपानों का प्रयोग कैसे कैसे करना चाहिए, सो नाउ इट इज योर ड्यूटी कि इन द्रव्यों के गुणों का अभ्यास करना और कौन से अनुपान का प्रयोग किस अवस्था में करना, किस व्याधि में करना, इसका चार्ट आपके पास होना चाहिए। दिस इज द स्टडी फॉर प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस के लिए जो हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है वो इस तरह का अभ्यास करने की आवश्यकता है, भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न द्रव्यों का, भिन्न भिन्न अनुपानों का हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, इसका अभ्यास ही प्रैक्टिस के लिए अभ्यास है। इससे हमारे प्रैक्टिस की क्वालिटी ऊपर हो जाती है, एनहांसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ योर प्रैक्टिस। ओके, उसके बाद जो चूर्ण आता है वो नीलिन्यादि कृत, नीलिनिम निचुलम व्योषम क्षारौ लवण पंचकम चित्रकम च पिबेत चूर्णम सर्पिषा उदरगुलमनुत। ओके, ये किससे रहने, सर्पिषा घृत के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। ओके, सो डेफिनेटली ये होगा नलिनिम निचुलम व्योषम क्षारौ लवण पंचकम, लवण अधिक्य हो गया। ओके, अनुपान भी कैसे है, स्निग्ध है, सो रूक्ष गुण प्रधान अगर संप्राप्ति में है, वात प्रधान है, अगर ऐसी स्थिति है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। उदर गुलमनुत इतना ही उसमें बताया गया है, मतलब इसका ज्यादा काम कोष्ठ पर है, शाखा पर उसका काम कोष्ठ की तुलना में अत्यल्प है। ओके, उसका शाखा गामित्व जो है वो अत्यल्प है, मतलब अन्य व्याधियों में भी अगर रूक्ष गुण प्रधान है, कोष्ठस्थ दोष है, ऐसी अगर स्थिति है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब प्रश्न उत्पन्न होता है, अगर रूक्ष गुण संबद्ध है तो स्रोतोरोध का क्या करेंगे, सो रूक्षोद्भूत स्रोतोरोध, मतलब रूक्ष गुण बढ़ जाने के कारण जब संकोच संकोच हो जाता है और उस अवस्था के कारण जब स्रोतोरोध हो जाता है तो लवण और स्निग्ध, लवण और घृत इनका संयोग का प्रयोग करेंगे तो रूक्षोद्भूत जो स्रोतोरोध है वो कम हो जाएगा, ऐसी अवस्था में हम इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या वर्णन किया है, उसके बाद संसर्जन क्रम का वर्णन किया है, पूर्ववच्च पिबेत दुग्धम क्षामः शुद्धः अंतरांतरा कारभम गव्यम आजम च, सॉरी आजम च, पूर्ववच्च पिबेत दुग्धम क्षामः शुद्धः अंतरांतरा कारभम गव्यम आजम वा। पूर्ववच्च मतलब जो विशेष उपक्रम वर्णन किया गया है, कहा वर्णन किया गया है, सबसे पहला जो पटोल मूलादि चूर्ण वर्णन किया उसमें जो संसर्जन क्रम वर्णन किया था, जैसे हमने देख लिया था कि पहले पेय लेना चाहिए, उसके बाद जांगल मांस रस के साथ ओदन सेवन करना चाहिए, उसके बाद त्रिकट सिद्ध या त्रिकोट युक्त दुग्ध का पान करना चाहिए, वो कितने दिन तक करना चाहिए, 6 दिन तक करना चाहिए, ये जो विशेष संसर्जन क्रम बताया गया है वो संसर्जन क्रम, उसके बाद वर्णन किए गए सभी चूर्णों के बाद वही उपक्रम हमें करना चाहिए। सो दैट इज द कॉमन संसर्जन उपक्रम फॉर ऑल द विरेचन द्रव्य, ऑल द विरेचन योग विच ही हैज डिस्क्राइब हियर। सो 1, 2, 3, 4, 5 पांच यहाँ विरेचन योग बताए गए हैं। सो ये पांचों विरेचन योगों में रादर योगों के बाद हमें जो संसर्जन क्रम फॉलो करना है वो पहले सूत्र में, पहले योग में जो वर्णन किया गया है वही करना है, और उसके बाद विरेचन के बाद जो रुग्ण क्षाम हो जाता है, क्षाम हो जाता है मतलब क्या होता है, क्षीण हो जाता है, उसका बल क्षीण हो जाता है। क्यों क्षीण हो जाता है, दोषों के शोधन के कारण, क्योंकि दोष भी क्या है, धारण करने वाले हैं। ओके, सो उनका वो जब बाहर निकल जाते हैं उनका शोधन हो जाता है तो धारण की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है तो क्षामत्व आ जाता है। इस अवस्था में उसका तर्पण करने के लिए फिर कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, दुग्ध का ही प्रयोग करना चाहिए, और कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं, कारभ दुग्ध, गव्य दुग्ध और आज दुग्ध। अगेन नाउ इट इज योर ड्यूटी कि कब, जैसे हमने पहले सूत्र में देखा था कि कारभ दुग्ध का वर्णन प्रयोग कब करना चाहिए और गव्य दुग्ध का प्रयोग करना चाहिए, अब आपकी ये ड्यूटी है कि आज दुग्ध का प्रयोग कब करना चाहिए, इसका आप अध्ययन करेंगे। ओके, सो इट इज अ स्पेशल संसर्जन क्रम डिस्क्राइब्ड ओवर हियर।
ओके, उसके बाद अवस्था बदल जाती है। मतलब पहले विरेजन करने के लिए कहा, विरेजन के लिए योग बताए, वो विरेजन करने के लिए एक हर्डल था बहुवात और रूक्ष, उसके लिए स्नेहन करने के लिए बोल दिया, स्नेहन करने के बाद फिर हमने विरेजन योग बोल दिए। ओके, लेकिन अगर ऐसी अवस्था है, रूक्ष रुग्ण है, बहुवात रुग्ण है और शोधन की अपेक्षा है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त ही नहीं है कि हम स्निग्ध और जठरग्न घृतों की सहायता से उसका स्नेहन करें, वो रुग्ण स्निग्ध हो जाए और वो स्निग्ध होने के बाद, बल प्राप्त होने के बाद, वात का शमन होने के बाद, दोष स्वस्थ होने के बाद हम विरेजन करें, इतना समय हमारे पास नहीं है। अत्येक अवस्था उत्पन्न हो गई है, दोषों को अगर बाहर नहीं निकाला, दोषों का शोधन नहीं किया तो प्राण संकट आ सकता है। ऐसी अगर स्थिति है तो क्या हमें इसी मार्ग पर चलना चाहिए? इतना समय स्नेहन करने के लिए हमें गवा देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए और एक मॉडिफिकेशन इन द प्रोग्राम। सो मेन प्रोग्राम इज विरेजन ओनली, सो इट इज जस्ट द मॉडिफिकेशन इन द प्रोग्राम। सो ये मॉडिफिकेशन क्या है? दद्यात् आत्यै के गदे स्नेहान एव विरेकार्थे दुर्बलेभ्यो विशेषतः। दद्यात् आत्यै के गदे, आत्यिक अवस्था अगर उत्पन्न होगी है, जैसा मैंने आपको बताया कि रुग्ण बहुवात है, रूक्ष है, दोष शोधन की अपेक्षा है, लेकिन स्निग्ध करने के लिए पर्याप्त समय हमारे पास नहीं है, ऐसी अगर स्थिति है तो स्नेहान एव विरेकार्थे, और रुग्ण दुर्बल है, ऐसी स्थिति है तो विरेजन के लिए स्नेह का ही प्रयोग करना चाहिए। स्नेहान एव विरेकार्थे मतलब घृत से स्निग्ध करना और उसके बाद विरेचन करना, इसके बजाय विरेचन द्रव्यों से घृत ही सिद्ध कर दीजिए और उससे ही विरेचन दे दीजिए। इससे अगर आप विरेचन दे देंगे तो क्या होगा? स्नेहन और शोधन, ये दो कर्म एक साथ हो सकते हैं। जैसे हम पिंड स्वेद में कहते हैं कि स्नेहन और स्वेदन, ग्रहण और स्वेदन एक साथ हो जाते हैं, दो कर्म एक साथ हो जाते हैं, वैसे इस अवस्था में भी स्नेहन और शोधन, ये दो कर्म एक साथ करने की क्षमता इन विरेचन स्नेहों में है। सो कब विरेचन स्नेह का प्रयोग करना चाहिए? जब आत्येक अवस्था हो तो। हर एक रुग्ण के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। जब आत्येक अवस्था ना हो तो यू शुड फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर। मॉडिफिकेशन शुड नॉट बी द रूल। ओके, सो पहला चॉइस क्या है कि स्नेहन करना, उसके बाद विरेचन करना। लेकिन अगर अत्येक अवस्था आती है तो ही उन दोनों कर्मों को एकत्रित करके विरेचन द्रव्यों से स्नेह सिद्ध करके उससे स्नेहन और विरेचन करना। ओके, सो इसके लिए कुछ द्रव्यों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से द्रव्यों का वर्णन किया गया है? सबसे पहले वर्णन किया है हरित की घृत। विशेष पद्धति से हरित की घृत तैयार किया गया है। कैसे है देख लेते हैं। हरित की सूक्ष्म रजः प्रस्थयुक्तम घृताढकम अग्नविलाप मथितम खजेन यवपल्लके निधापये ततो मासात उद्धृतम गालितम पचे हरितकीनां क्वाथेन दग्धा च अम्लेन संयुतम उदरम गरम अष्ठीलाम आनाहम गुल्म विद्रधि हन्ति एतत् कुष्ठम उदरम अपस्मारम च पानतः। क्या क्या करना चाहिए? हरित की सूक्ष्म रजः प्रस्थ युक्तम घृत आढ़कम अग्नौ विलाप्य मथितम खजेन। यहां तक एक प्रोसेस हो गई। क्या करना चाहिए? हरित की सूक्ष्म रजः प्रस्थ युक्तम, एक प्रस्थ हरितके का चूर्ण लेना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? घृत आढ़कम, एक आढ़क घृत लेना चाहिए। उसके बाद अग्नौ विलाप्य, उस घृत को अग्नि पर रख करके उसका विलापन विमलापन करना चाहिए, मतलब उसको पतला करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए? उसमें हरित की चूर्ण को मिलाना चाहिए। अग्नौ विलाप्य मथितम खजेन, उसके बाद उसको खजे की सहायता से उसका मंथन करना है, मतलब हरित की चूर्ण और जो पतला हुआ घृत है वो एक दूसरे के साथ ठीक तरह से मिश्रित हो सके,
सो उस उनका अच्छी तरह से मिश्रण करना चाहिए। उसके बाद क्या करना चाहिए, अग्नौ विलाप्य मथितम खजेन यवपल्लके निधापयेत। यवपल्लके मतलब यव राशि में ये जो मिश्रण तैयार हुआ है उसको रख देना है। ओके, सो उस हरितकी और घृत उनका मिश्रण, उनका संयोग हमें यव राशि में रख देना चाहिए। निधापयेत ततो मासात उद्धृतम, तो कितने दिन तक वहां वो यव राशि में रखना है, एक मास तक उसे हमें यव राशि में रखना है। निधापयेत निधापयेत ततो मासात उद्धृतम, एक मास के बाद उसको निकालना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, गालितम मतलब हरित की चूर्ण और घृत इनको हमने एकत्रित किया है तो उसका गालितम मतलब उसको छान लेना है। ओके, तो छान लेने के बाद क्या होगा, जो हरित का चूर्ण जो है वो निकल जाएगा और जो सिर्फ घृत है वो नीचे रह जाएगा। वो जो घृत है उस घृत को लेना है और गालितम पचे किसके साथ, हरितकी नाम क्वाथेन दधनाच अम्लेन संयुतम। उसके बाद हरितकी का क्वाथ और अम्ल दधि इनसे संयुक्त करके उस घृत को सिद्ध करना है। हरितकी नाम क्वाथेन दधनाच अम्लेन संयुतम। इतना सब करने के बाद मतलब ये जो है वो विधिवत करना है। ओके, और ये जो तैयार हुआ घृत है, दिस प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने कुछ समय पहले आपको बताया कि इनमें कुछ प्रोसेस है नहीं, सिर्फ मिश्रण करना इतना ही संस्कार है, लेकिन यहां कितने संस्कारों का वर्णन है। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस इन सच टाइप ऑफ कल्प कि इतने संस्कार है इनसे कौन कौन सा गुण परिवर्तन होगा। इसीलिए मुनिरेव विजानंती द्रव्य संयोगजम फलम। सो इट इज ऑलवेज बेटर इन सच टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस, कॉम्प्लिकेटेड योग, ये हर एक प्रोसेस के बाद क्या क्या होता है उसके बजाय लास्ट जो फलश्रुति है उसकी ओर ध्यान दीजिए और उसके हिसाब से उसका प्रयोग कर दीजिए। सो इसका प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए, उदरम गरम अष्ठीलाम आनाहम गुल्म विद्रधि हंतियेत कुष्ठम उन्मादम अपस्मारम च पानतः। कुष्ठ उन्माद अपस्मार इसका ये हरण करता है, हनन करता है। ओके, सो इसकी ओर हरित के गुण देखें तो वातकफ प्रधान संप्राप्ति में उसका प्रयोग ज्यादा होता है, तो अगर इससे शुद्ध घृत है तो ये वात प्रधान संप्राप्ति में ज्यादा प्रयोग करने ज्यादा प्रयोग करेंगे तो ज्यादा लाभप्रद हो सकता है। तो रूक्ष लघु शीत गुण से संबद्ध संप्राप्ति है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। हरित की ये कोष्ठ पर, रक्त पर, मांस पर और टू सम एक्सटेंड मज्जा पर काम ज्यादा करती है। सो रक्त मांस मज्जा स्थित अगर दोष है तो हम इस घृत का प्रयोग करेंगे। इसकी फलश्रुति में किसका वर्णन किया गया है, उन्माद अपस्मार मतलब इसका मन पर भी कुछ ना कुछ गामित्व है। ओके, सो कोष्ठ रस सॉरी रक्त मांस मज्जा और मन ये उसका दुष्ट संग्रह हो गया। और कौन कौन सी अवस्था में इसका प्रयोग कर सकते हैं, पहली अवस्था जो डिफाइन करके हमें विरेचन के लिए दिए गए, दुर्बल रुग्ण आत्येक अवस्था और दोष शोधनों की अपेक्षा, दोषों के शोधन की अपेक्षा, ऐसी अगर स्थिति है तो हम इस घृत का प्रयोग करेंगे। सो इट इज अ कॉमन अवस्था। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू पर्टिकुलर अवस्था ऑफ दिस पर्टिकुलर घृत, उदर गुल्म विद्रथी आनाह। इनमें अगर रोग के हिसाब से शोधन की अपेक्षा है और रुग्ण के हिसाब से संतर्पण की अपेक्षा है, ऐसे अगर द्विधा में हम अगर आ गए, दोनों तरफ के उपक्रमों का प्रयोग एक साथ करने की अवस्था उत्पन्न हो गई है, ऐसी अगर स्थिति है तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ओके, यहाँ गर्भ विष का विशेष विधान किया गया है, मतलब गर्भ विष अगर इन व्याधियों का कारण है, फॉर एग्जाम्पल गर्भ विषोद्भूत कुष्ठ, गर्भ विषोद्भूत मानस व्याधि, क्योंकि इनकी व्याधियों में गर्भ विष का वर्णन विशेषतः विरुद्धान्न का वर्णन विशेष रूप से किया गया है, मतलब विरुद्धान्न जन्य जो गर्भ विष है उससे उद्भूत दोषों का अगर शोधन करना है तो इसके लिए इस द्रव्य का प्रयोग ज्यादा लाभप्रद हो सकता है। दूसरी बात यह है कि इन इन द्रव्यों को इतने समय तक इकट्ठा रखा गया है,
उसके बाद उसी द्रव्य से उसको सिद्ध कर लिया गया है, तो उसका सूक्ष्मत्व जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है। सो सूक्ष्म स्रोतस्थ दोषों को जब हमें निकालने की आवश्यकता होती है, सूक्ष्म स्रोतसों तक जाने की आवश्यकता जब होती है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड द्रव्य जिन पर बहुत संस्कार करके सूक्ष्म गुण उनमें प्रयुक्त किया जाता है, उनमें उत्पन्न किया जाता है, ऐसी अगर स्थिति है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रोगतः शोधन की अपेक्षा और रुग्णतः संतर्पण की अपेक्षा है। विरुद्धान्य जन्य गर्विष जो है वो इन व्याधियों में प्रधान हेतु है, और सूक्ष्म स्रोतसों तक जा करके वहां स्थित जो दोष है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सूक्ष्म स्रोतस, आई एम नॉट सेइंग ओनली स्रोतस, ओके, सूक्ष्म स्रोतसों में जा करके वहां से दोष संचय को निकालना है। अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी आवश्यकता है, तो इस घृत का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद स्नुही क्षीर आया है, स्नुही क्षीर घृत। ओके, क्या वर्णन है उसमें? स्नुही क्षीर युक्तात् गोक्षीरात् श्रुतशीतात् खचेन आहतात् यज्जातम् आज्यम् स्नुक्षीर सिद्धम् तच्च तथागुणम्। तथागुणम् मतलब पहले जो हरित की घृत वर्णन किया है उसी गुण का यह द्रव्य है, इसी गुण वाला ये योग है। ओके, क्या करना है इसमें? स्नुक्षीर युक्त गोक्षीरात श्रुतशीतात्। ओके, मतलब श्रुतशीत गोक्षीर लेना है, उसमें स्नुक्षीर मिलाना है। ओके, वो मिलाने के बाद क्या करना है? स्नुक्षीर युक्तात गोक्षीरात श्रुतात् खजेन आहतम, खज से उसका हनन करना है, आहत करना है, मतलब मंथन करना है, और वो मंथन करने के बाद जो आज, मतलब आज, आज नहीं, आज मतलब घृत उत्पन्न होता है, मींस इट इज नॉट अ यूजुअल प्रोसेस ऑफ घृत निर्मिति। ओके, इट इज जस्ट, मतलब ये दुग्धोद्भूत घृत है। हमारी घृत निर्मिति की सामान्य प्रक्रिया जो है वह कैसे है? दुग्ध, उसका दधि, उसके बाद उसका तक्र, नवनीत और नवनीत का घृत। ओके, सो यहाँ जो अग्नि संस्कार होते हैं, इतने अग्नि संस्कार यहाँ नहीं होते। ओके, सो यह सिर्फ स्नुक्षीर युक्त श्रुतशीत दुग्ध लेना है, उन द्रव्यों को एकत्रित करके खज से उसका मंथन करना चाहिए, और मंथन करने के बाद जो घृत उससे निकलेगा वो जो घृत है वो स्नुक्षीर सिद्ध करना है, वो फिर से स्नुक्षीर से सिद्ध करना चाहिए। अगेन सी, जो मैं सूक्ष्म स्रोतसों तक जाने की बात कर रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा कैसे संस्कार किए गए हैं ताकि वो जो द्रव्य है वो स्थूल स्रोतसों तक ही सीमित ना रहे, वहां तक जाने की उसको क्षमता प्राप्त हो, इसलिए इतने कॉम्प्लिकेटेड संस्कार उस पर किए गए हैं। ओके, सो वैसे ही उसका प्रयोग करना चाहिए जो मैंने पहले बताया, वो सभी अवस्था इसमें है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हरितकी घृत एंड स्नुही क्षीर घृत। सो ओनली डिफरेंस इज एज कंपेयर टू हरितकी, स्नुही ये तीक्ष्ण विरेचन करने वाला द्रव्य है, सो ज्यादा दोषों का संचय है, तीक्ष्ण विरेचन की अपेक्षा है, तो वी विल सिलेक्ट स्नुही क्षीर घृत एज कंपेयर टू हरितकी घृत। ओके, सो इट शुड बी क्लियर टू यू। उसके बाद सुधा क्षीर घृत का वर्णन किया गया है। सो वी विल स्टॉप फॉर टुडे हियर एंड वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट संडे। आपके अगर कुछ शंकाएं है, डाउट्स है, तो यू कैन पुट इट इन चैट बॉक्स, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टाइम। या अभी भी 5 मिनट है, अगर किसी को कुछ है तो बोल सकते हैं, मैं चर्चा कर सकते हैं उसमें। अग्नव विप्लव, अग्नि पर विमला मत करना, मतलब उसको पतला करना, अग्नि पर रख करके उस घृत को पतला करना। सर मी प्राची दीक्षित, सर मला विचारायचं होतं षटपल घृत मध्ये जे ऊर्ध्व अनिल सांगितलंय ना, मग त्याचं मीनिंग काय येतं?
ऊर्ध्व अनिल म्हणजे वायू प्रतिलोम झालेला आहे, अधप प्रतिहत आहे आणि तो ऊर्ध्व प्रवृत्त झालेला आहे, प्रतिलोम वात. अच्छा ओके थँक्यू सर. ओके अच्छा.